हेलो बच्चों, मेरा नाम शिवम है और आप मुझे देख रहे हैं उत्सव ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 5, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम सेल को पढ़ रहे हैं। और सेल में बेटा आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम पहली चीज़ जो आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो हम पढ़ेंगे अब बेटा सेल के पार्ट्स के बारे में। ठीक है बेटा, सेल में आखिर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बेटा, जैसे आपको पता है कि सबसे जो पहली चीज़ हम पढ़ते हैं पूरे सेल में, वो पढ़ेंगे बेटा हम सेल की सबसे बाहरी चीज़ को। ठीक है, तो हमारे केस में बेटा सबसे बाहर का आइटम क्या है बेटा, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या कहते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और एनिमल्स प्लांट के केस में क्या है बेटा, सेल वॉल होती है। लेकिन हम बेटा वो बात करेंगे जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो बेटा हम आज सबसे पहली जो पहला स्ट्रक पहला जो एनसीईआरटी में भी आपके मेंशन है, वो हम बेटा स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसको स्टार्ट करेंगे बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बेटा सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बेटा सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये बेटा ध्यान रहे आपको। ठीक, तो सबसे पहले बेटा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तो पता है ना बेटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है। इसके पहले वाली क्लास में ही हमने कल आपको सिखाई थी। ठीक है बेटा, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा कहाँ पाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ इसमें हम लिखते हैं बेटा, कहाँ पाया जाता है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ये क्या है बेटा, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है किसके बेटा, सेल की। ठीक है, लेकिन ये बेटा स्टेटमेंट ध्यान रहे, ये सेल की है। ठीक है, प्लांट और एनिमल की नहीं बेटा, ये सेल की है। प्लांट के केस में बेटा क्या है बेटा, सेल वॉल पाई जाती है सबसे ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रहे इस चीज़ का, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ठीक है, दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल, दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल। ठीक, दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सॉरी, इसी में बेटा लिख ले रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बेटा ध्यान से देखिएगा, दो चीजें लिखी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा है अभी। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है बेटा, सेल की जो सबसे बाहरी कवरिंग है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पहली चीज बेटा ध्यान से देखिए, सेपरेट्स, सेपरेट्स का मतलब आप समझिए कि आपको आपको सपोज दैट कभी आप मार्केट जाते हैं, तो मार्केट जाते हैं बेटा तो आपको कुछ खरीदना होता है, जैसे कि आपको या तो सब्जी लेनी है या फिर हाँ सब्जी समझ लीजिए कि आपको सब्जी लेनी है और आपके हाथ में कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे ही मार्केट तफरी काटने गए थे, आपकी मम्मी ने फ़ोन कर दिया कि ऐसा बेटा गए हो तो, या बेटी गई हो तो सब्जी ले लेना। ठीक है, बेटा गए हो तो सब्जी ले जाना, तो आपके पास तो कुछ है नहीं, बैग वैग तो आप लेके नहीं गए, तो आपने क्या किया बेटा, कुछ सब्जी खरीद ली। तो आपके पास उतने पैसे भी नहीं थे, तो आपके पास पैसे उतने ही थे जितने आप सब्जी खरीद लें। तो मान लीजिए आपके पास पैसे थे, तो आपने थोड़ा बचाने के प्रयास किए, तो आपने कुछ ही सब्जी खरीदी। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी आपने कुछ सब्जी खरीदी, मान लीजिए आपने थोड़ा सा प्याज खरीदा, थोड़ा सा टमाटर खरीदा, थोड़े से दो चार मिर्चें खरीदे, धनिया के दो चार पाव, दो चार पत्तियाँ खरीद ली, या कुछ शिमला उमला, ऐसे दुनिया भर की चीज़ें कुछ आपने खरीद ली। तो आपने बेटा, आपके बैग तो आप लेके नहीं गए थे, तो आपको बेटा क्या किस में भर के मिलेगा, वो एक पॉलीथीन में। आपने दुकानदार से कहा मुझे एक पॉलीथीन दे दीजिए, तो आपको एक पॉलीथीन मिल गई। फिर आपकी मम्मी ने 10 मिनट 2 मिनट बाद आपको फिर से फ़ोन कर दिया, कैसा बेटा सुना है मंडी गए हो मार्केट में, आलू सस्ती है, तो एक काम करना बेटा आलू भी खरीद लेना। ठीक है, आलू भी खरीद लेना। तो आपने क्या किया बेटा, आलू भी खरीद ली। लेकिन अब आलू खरीद ली बेटा, तो जो पॉलीथीन है वो जो था वो तो अब है कि आपको एक मतलब ठीक है, जितना था वो तो रखा था आपने, अभी जितनी सब्जी नॉर्मल खरीदी थी। लेकिन बेटा आप जब आप और भी ज़्यादा खरीद रहे हैं, आलू भी खरीद रहे हैं, तो बेटा आपको क्या लेना पड़ेगा, एक बैग भी खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बैग होता है बेटा उसी को हम कहते हैं सेल वॉल, जो सब
बैग क्या होता है बेटा, प्लांट के केस में सबसे बाहर होता है। तो बैग के अंदर क्या होती है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो पन्नी होती है, झिल्ली, पॉलीथीन। ठीक, तो आपने बेटा क्या ली, वो पॉलीथीन लिए, पॉलीथीन कहाँ डाल दिया आपने, झोले में। ठीक है, झोले में डाल रखी है, तो झोला आपका सबसे बाहरी का, ठीक है, प्लांट के केस में। और अंदर आप देखेंगे बेटा तो सबसे जो बीच की बीच वाली लेयर है वो क्या बेटा, झिल्ली है। ठीक है, झिल्ली जिसमें आपने भरा है धनिया, मिर्चा, प्याज, टमाटर, दुनिया भर की सब्जियाँ। ठीक है, तो अब वो जो सब्जी आपने भरी बेटा, वो किसमें भरी, आपने एक पॉलीथीन में भरी है, झिल्ली में भरी हुई है। ठीक है, उसी को बेटा हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, दैट सेपरेट्स द कंटेंट, मतलब आपका जो कंटेंट है, जो आपने धनिया मिर्चा दुनिया भर की चीज़ें खरीद रखी हैं, वो क्या कर रहा है बेटा, एक सेपरेट कर रहा है, एक सुरक्षित कर रहा है उसको। ठीक है, कौन कर रहा है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो झिल्ली आपने ली है पॉलीथीन, वो सेपरेट कर रही है, ठीक है, फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। भाई गाँव पक्षियाँ हैं बहुत, सॉरी, बहुत सारे जानवर इसमें सड़कों पर घूम रहे हैं, तो आपका जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो अगर पॉलीथीन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी, ये न लगी होती, तो क्या होता बेटा, कोई भी आके खा लेता, जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचता था, किसी को जरूरत होती निकाल के ले जाता। तो इसीलिए बेटा इसको जो सेपरेट करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ लगाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगाई गई। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और हम जो है थोड़ा आगे देखते हैं। ठीक है, और भी आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम क्या सीखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी तक हमने बेटा दो ही चीज़ें देखी, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, बाहरी जो एनवायरनमेंट है इससे जो बेटा ये सेपरेट करती है, इसको अलग करती है। ठीक, ध्यान से रहे, सुरक्षित भी करती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रहे, कुल मिला के सेपरेट करती है, ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इससे इस चीज़ को अलग कर रही है, जो आपने कंटेंट लिया है दुनिया भर का, इसको ये इस जो एक्सटर्नल बाहरी इन्वायरमेंट है इसको अलग कर रही है। ठीक, क्योंकि एक पॉलीथीन दिया तो उसमें वो अलग है। ठीक, ये चीज़ आप समझ गए, तो इसको थोड़ा सा पॉइंट कर लीजिए, इसको नोट करना, नोट कर लीजिए, इसके बाद बेटा हम और आपको डीप समझाते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, तो जैसा कि अभी हमने इसके पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है, तो अब और थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो पहली चीज़ बेटा ध्यान से देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है बेटा, लिखा गया कि लिविंग। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज़ ध्यान लीजिए, ये जो है लिविंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वाल में बेटा दो फर्क होता है, सेल वाल जो होती है बेटा बाहरी जो होती है डेड होती है, तभी तो रॉबर्ट हुक ने जब सेल की डिस्कवरी करी, ब्राउन और रॉम भी कन्फ्यूज हो गए, जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार बेटा सेल की डिस्कवरी करी, तो उन्होंने बेटा किसको देखा था, उन्होंने बेटा देखा था सेल वॉल को, यानी कि बेटा जो सेल की डेड कॉर्क जो सेल थी उससे किया था बेटा। तो उसमें किया था बेटा, जो सेल वॉल से डिस्कवरी करी थी बेटा, जाहिर सी बात है सेल तो पता चल गई बेटा, लेकिन ये नहीं पता चल पाया बेटा कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है बेटा। ठीक है, वो डेड थी क्योंकि लिविंग नहीं हो पाई, तो इसीलिए एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने आगे डिस्कवरी को बढ़ाया। तो बेटा सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिए कि अगर वो कि लिव जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये लिविंग होती है। सबसे जो पहला फीचर, सबसे पहला जो कैरेक्टर है बेटा, वो ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है कि नॉन लिविंग होती है, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है बेटा। तो ध्यान से देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, लिविंग होती है। कंपोज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन को मिलके बेटा क्या बनती है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। क्या, किसको मिलके बनती है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी जो बनती है बेटा, वो लिपिड और प्रोटीन के मिलने से क्या बनती है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। पहली चीज बेटा थिन होती है, थिन मतलब नहीं समझ पाए बेटा आप, काफ़ी पतली होती है। ठीक है, जैसे आपने बताया हमने आपको कि झिल्ली जो पॉलीथीन आपको मिलती है मार्केट में, वो क्या होती है, बहुत थिन होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब अगर आप खींचेंगे बेटा तो इलास्टिक भी होगी, फ्लेक्सिबल होगी। फ्लेक्सिबल का मतलब बेटा ये है कि आप इधर से दबाएंगे तो उधर जो हो जाएगी, उधर का दबाएंगे तो उधर, मतलब समझिए आप कि अगर आपने लिया हुआ है और सपोज दैट उसी में अगर आपने पानी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो इधर का उधर हो करेगी, तो फ्लेक्सिबल है काफ़ी, जो है जिधर जिधर कर देंगे वो हो जाएगी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर। इसके बाद बेटा वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, क्या बेटा, आउटर मोस्ट कवरिंग है, बाहर की सबसे मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। इसके अलावा बेटा होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल, होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल, जो सेल के अंदर का कंटेंट है बेटा, इसको क्या करती है बेटा, होल्ड करती है। हमने पहले बताया आपको कि आप जो भी खरीदते हैं बेटा, वो पॉलीथीन में जो रखते हैं, वो सब क्या करता है बेटा, होल्ड करता है। कौन करता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो आपने झिल्ली खरीद रखी है। ठीक है, झिल्ली लिए, वैसे ही बेटा हमारे जितने सेल के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, सेल के जो भी कंटेंट होता है बेटा, वो कौन होल्ड करता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होल्ड करती है। ठीक है, इसके साथ ही बेटा प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप, यानी कि सेल को जो है एक जो शेप प्रोवाइड करने का काम है बेटा, ये भी आप कह सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। समझ रहे हैं आप, जो शेप प्रोवाइड करने का काम है बेटा, सेल को जो शेप प्रोवाइड होता है, ये भी बेटा कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। ठीक है, प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप। ठीक है, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, फैसिलिटेट सबसे बड़ी बेटा डेफिनेट सेप। ठीक है, प्रोवाइड डेफिनेट सेप, फैसिलिटेट्स मोमेंट्स ऑफ सम मटेरियल बिकॉज
इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ध्यान से देखिए बेटा, फैसिलिटेट्स मोमेंट्स ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है बेटा, सारा मसाला बेटा इन्हीं सब इसी एक शब्द पे बेटा, सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, फैसिलिटेट करती है मतलब कि जो भी चीज़ें हैं हमारे इस इन्वायरमेंट में और सेल में, ठीक है, ये क्या बेटा, बेटा जो मोमेंट इसके अंदर में होता है सेल के अंदर और बाहर, ये बहुत ही फैसिलिटेट्स होता है। और ये जो बेटा है वो किस लिए होता है, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब बेटा ये कुछ सेलेक्ट की हुई चीज़ों को अंदर या बाहर आने की बेटा जो है इसके अंदर, ये मतलब सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर या बाहर आने के लिए जो है इजाज़त देती है। ठीक है, बहुत ही गिनी चुनी चीज़ इसके अंदर या बाहर आ सकती है। ठीक है, जैसे कि 7 RCR है जहाँ प्रधानमंत्री जी रहते हैं, या 5 कालिदास मार्ग है, वहाँ सब नहीं जा सकते। ठीक है, वहाँ कुछ सेलेक्टिव लोग जा सकते हैं, सब थोड़ी कि जो हमारे घर का दरवाज़ा जो आए वो चला जाए जो है। ठीक है, तो बेटा वैसे ये भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, तीसरी चीज़ बेटा फ्लेक्सिबिलिटी, इनेबल द सेल टू इनगल्फ। ठीक है बेटा, एक शब्द है अनेबल और इनेबल, ध्यान से समझिए, यहाँ पे बेटा इनेबल लिखा है, अनेबल नहीं लिखा है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल, इनेबल मतलब बेटा इसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है द सेल टू इनगल्फ, इनगल्फ मतलब बेटा किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए क्या बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। ठीक है, जब फ्लेक्सिबल होगी बेटा, जैसे कि आप समझिए ये साइज़ है, जब आप इसको इधर से दबाएंगे बेटा तो ये जाहिर सी बात है कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जगह बच गई बेटा, इससे क्या होता है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे है बेटा तो इसको पकड़ सकती है। ठीक है, तो इस जो प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल द सेल टू इनगल्फ, ये जो इनगल्फ करने का पकड़ने का तरीका है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, इसको बेटा कहते हैं इंडोसाइटोसिस। ठीक है, इंडोसाइटोसिस। और सबसे बड़ा एग्जांपल जो बेटा वो अमीबा है। ठीक है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और अमीबा आपको पता होगा कि अमीबा हमेशा अपना साइज जो है बदलता रहता है। ठीक है, साइज और सिर्फ हमेशा उसका चेंज होता रहता है। क्यों होता रहता है बेटा, इसी की वजह से, क्योंकि काफ़ी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इसी की वजह से बेटा वो चीज़ों को खा पाता है, पकड़ पाता है। ठीक है, वो किसी भी चीज़ को पकड़ पाता है, आसानी से खा पाता है। तो जो प्रोसेस होता है बेटा, ये जो प्रोसेस है इसको बेटा क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, इंडोसाइटोसिस। ध्यान रहे बेटा, इसको भूलिएगा नहीं, आपके एनसीईआरटी मेंशन है, कभी कभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इंडोसाइटो क्या है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल द सेल टू इनगल्फ, जो एक फ्लेक्सिबिलिटी हमारे सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को इनगल्फ कर सकते हैं। जो इनगल्फ करने का जो प्रोसेस है, जो पकड़ने का प्रोसेस है, जिसकी वजह से कि अमीबा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो कि किसी चीज़ को इनगल्फ करती है, पकड़ लेती है और उसको खा लेती है। ठीक है, जिससे कि वो सर्वाइव कर पा रही है, तो ये जो प्रोसेस है बेटा कि उस वजह से संभव हो पाता है, इंडोसाइटोसिस की वजह से। ठीक है बेटा, इसके अलावा बेटा इनगल्फ फूड, भोजन को खाती है। ठीक है, भोजन अंदर आ सकता है, पकड़ सकती है। अदर मटेरियल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये बेटा क्या क्या पकड़ सकती है, खाना तो पकड़ ही सकती है, जो खाना है वो तो पकड़ ही सकती है, इसके साथ और भी जो जरूरी मटेरियल है, जो इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको भी क्या करती है, इनगल्फ यानी पकड़ने का काम करती है। ठीक है बेटा, तो इतना आप समझ गए कि क्या है। अब बेटा ये जो सारा मसाला है बेटा, आप ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ हम बार बार इसमें रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, फैसिलिटेट्स मोमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। आपको मैंने बताया कि बहुत ही सेलेक्टिवली परमिएबल है चीज़ों को, जो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव चीज़ होती है, सेलेक्टिव उसी को अंदर या बाहर जाने की परमिशन देती है। ठीक है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये कुछ ही चीज़ों को अंदर या बाहर, अपने अंदर या बाहर आने के लिए बेटा जो है वो परमिट करती है। ठीक है, तो वो जो परमिट किस किस चीज़ को करती है, वो क्या होता है, आखिर किस प्रोसेस के थ्रू कोई चीज़ अंदर आती है सेल के और कोई चीज़ बाहर चली जाती है। ठीक है, इसको हम ध्यान से देखते हैं बेटा। तो इतनी चीज़ आपने नोट कर ली है, नोट कर लीजिए, तो फिर इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं। ठीक, अगर आपने नोट कर लिया तो इसको बेटा रफ कर रहे हैं। ठीक है, इसने बहुत ही तेज हमने आपको पढ़ा है। पहली चीज़, ये लिविंग होती बेटा, एक मॉलिक्यूल्स लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, थीन होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, होल्ड्स द कंटेंट, कंटेंट को होल्ड करने किसमें बेटा क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो होती है। इसके अलावा बेटा प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप, ये जो बेटा है सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। फैसिलिटेट्स मोमेंट्स ऑफ सब मटेरियल बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल होने के कारण बेटा ये सारे मोमेंट इसके अंदर बाहर नहीं हो सकते, कुछ ही सेलेक्टिव चीज़ें अंदर या बाहर हो सकती हैं। ठीक है बेटा, फ्लेक्सिबल इनेबल द फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल द सेल टू इनगल्फ इंडोसाइटोसिस। ठीक है बेटा, जो प्रोसेस होता है बेटा, जो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कोई चीज़ पकड़ी जा सकती है, इसको बेटा इस प्रोसेस को कहते हैं इंडोसाइटोसिस। अमीबा इसका सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जांपल है बेटा, अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो बेटा किसी चीज़ को जल्दी से आसानी से पकड़ सकता है, अपना
में साइज और शेप बदलता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से बेटा क्या है कि वो पकड़ता है और वो खाता रहता है और सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है। तो अमीबा इसके अलावा बेटा इनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है, जो पकड़ने का काम करता है वो किस किस को करता है, फूड को और साथ ही अदर मटेरियल को, ठीक है, तो ध्यान रहे। अब इसके बाद थोड़ा सा बेटा ये चीज़ है कि जो सेलेक्टिवली परमिएबल लिखा गया है कि आखिर सेलेक्टिवली परमिएबल होने की वजह से बेटा क्या है कि कुछ ही चीज़ें अंदर या बाहर हो सकती है, तो जो चीज़ें अंदर होती हैं, जो भी चीज़ें बाहर हो जाती हैं, वो किस प्रोसेस से होती है, वो प्रोसेस क्या होता है बेटा, उसी के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे अब आगे बात करेंगे, ठीक है। जो इसकी जो है बेटा जान है, जो इसकी हर्ट है, जिसका हर्ट है, ठीक है, इस टॉपिक का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन पार्ट है वो हर्ट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हाउ डज द मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेज टेक प्लेस इन टू द सेल, ठीक है, हाउ डज द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन टू द सेल, तो इसमें बेटा है ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस की वजह से बेटा ये जो कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है बेटा अंदर आ सकती है। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, ठीक है, हाउ डू सब्सटेंस, तो सबसे पहली चीज़ बेटा देखिए लिख रहा है, हाउ डज द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे बेटा पूछा जा रहा है आपसे, हाउ डज द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सब्सटेंस, हाउ डज द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन टू द सेल, टेक प्लेस इन टू द सेल, बेटा ये पहला सवाल है, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा बेटा यहीं पे है, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, ठीक है, हाउ डज सब्सटेंस बेटा, यहाँ पे आपके साथ आपके सामने दो सवाल हैं, ठीक है। पहला सवाल बेटा ये पूछा जा रहा है कि हाउ डज द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन टू द सेल, कोई भी चीज़ जो है सेल के अंदर कैसे आ जाती है, ठीक है, सेल के अंदर कोई भी चीज़ कैसे आ जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, तो इसको हम बेटा आंसर आपको लिखेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है बेटा, ऑस्मोसिस। दूसरा बेटा है, हाउ डज सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, ठीक है, कोई भी चीज़ सेल से बाहर कैसे चली जाती है, ठीक है, इसकी इसकी इसका जो आंसर लिखेंगे बेटा हम लिखेंगे डिफ्यूजन, क्या बेटा, डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपने एक शब्द को पकड़ा था सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल आपने पकड़ा था, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिली, दो प्रोसेस मिले कि कोई भी चीज़ सेल के बाहर और सेल के अंदर कैसी आती है, कोई भी चीज़ सेल के अंदर बेटा जो आती है वो आती है बेटा कैसे बेटा, ऑस्मोसिस के थ्रू, किसके थ्रू बेटा, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को बेटा हिंदी में कहते हैं परासरण, क्या कहते हैं बेटा, परासरण, और कोई भी चीज़ सेल के बाहर बेटा जो जाती है उसको किसके थ्रू जाती है बेटा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को हिंदी में हम कहते हैं बेटा विसरण, ठीक है, विसरण, विसरण और परासरण आपने सीखा, ठीक है। अब बेटा इसका एक और चीज़ आपने, जैसे अभी तक आपने पकड़ा बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल आपने पकड़ लिया, ये उसकी एक चीज़ बेटा यहीं पे आप थोड़ा और देख लीजिए, इसके बाद आपको हम बहुत अच्छे से ये दोनों चीज़ें आपको डिफाइन करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा। हम एग्जाम्पल भी बेटा वही लेंगे जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बेटा आप जैसे नाइन्थ क्लास में हैं, ठीक है, आप नाइन्थ क्लास में हैं, तो आपको आपके स्कूल में बेटा ऐसा तो है नहीं कि नाइन्थ की सिर्फ एक क्लास होगी, नाइन्थ के कई सेक्शन होंगे बेटा, आप
आपकी क्लास में बेटा 9th क्लास के कई सेक्शन होंगे, ठीक है। तो जैसे जब आपने एडमिशन करवाया था बेटा, तो एडमिशन टाइम में ऐसा तो है नहीं कि आपको तुरंत आपकी ही क्लास मिल गई थी। कुछ टाइम के लिए आपने देखा होगा कि या तो आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा क्राउड रहा होगा, ठीक है, क्राउड रहा होगा, और फिर बाद में क्या होगा, वो क्राउड ख़त्म हो जाएगा, कुछ ही दिनों बाद क्या होगा, सब चीज़ें एकदम ठीक ठाक हो जाएंगे। लेकिन जब स्टार्टिंग में आप एडमिशन लेते हैं, तो जिस क्लास में आप बैठते हैं, जिस क्लास में आपका एडमिशन किया जाता है, वो जो सेक्शन होता है बहुत ही भरा रहता है, पूरी तरह से भर दिया जाता है। बाद में क्या होता है बेटा, और भी सेक्शन आगे डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जिसके बाद क्या होता है बेटा, एक सभी में कॉन्स्टेंट जो है बच्चे जो है भर दिए जाते हैं, ठीक है, जितना सब में एक लेवल का, ठीक है, इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, जैसे कि जब आपका स्कूल में एडमिशन हुआ था, ठीक है, जब आपका स्कूल में आपका एडमिशन हुआ, ठीक है, ये आप समझ लिए आप क्लास 9th में, और ये आपका सेक्शन ए है, ठीक है। तो आपने बेटा ध्यान से देखिए, आपका एडमिशन जब बेटा क्लास 9th में थे आपने, आपका तो आपका एडमिशन हुआ बेटा, तो क्या हुआ बेटा कि आपकी क्लास में बेटा ध्यान से देखिए, इस क्लास में टोटल बेटा 18 बच्चा है, कितना है बेटा, 18 बच्चा है, 18 बच्चा है बेटा। और आगे आपने देखा कि मतलब भाई, इस क्लास की कैपेसिटी 18 बच्चों की नहीं थी, ध्यान से समझिएगा बेटा, तब समझ में आएगा, ठीक है, जाग रहे हो ना बेटा, जिंदा रहो तभी समझोगे बेटा। आपने जब अपने स्कूल में एडमिशन लिया, तो आपने जिस स्कूल में एडमिशन लिया, तो आपको जिस सेक्शन में भर दिया गया, वहाँ और भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पहले से इतना ज़्यादा क्राउड था कि आपको भी उसी क्राउड का हिस्सा बनना पड़ा। तो आपको उस क्लास में सपोज दैट 18 बच्चे भर दिए गए, जबकि उस क्लास की कैपेसिटी 18 बच्चों की नहीं थी। उसके बाद बेटा क्या होगा कि जब और क्राउड बढ़ने लगेगा और 18 से ज़्यादा बच्चे होने लगेंगे, तो बेटा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ ही दिनों बाद बेटा क्या होगा कि एक नया सेक्शन बना दिया जाएगा। क्या होगा बेटा, एक नया सेक्शन बना दिया जाएगा, और अब उस नए सेक्शन में बेटा भरने बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसका नाम मान लो बेटा क्या हो जाएगा, 9B। 9B, अब बेटा उसमें बेटा क्या हुआ कि अभी तो यहाँ पे 18 थे, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये 18 इधर अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है, ये 18 चल रहा है, अब 18 से ज़्यादा जो बच्चे हो रहे हैं वो उसमें भरे जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो सपोज दैट कि इसमें बच्चा टोटल जो नया बच्चा का एडमिशन हुआ वो कितना हुआ बेटा, 12 कितना हुआ बेटा, 12 बच्चों का एडमिशन हुआ, 18 इसमें पहले से थे, जो पहले सेक्शन में जो पहले से ज़्यादा भरा हुआ था, ठीक है, उसमें ओवर बच्चा था, बट जो दूसरा सेक्शन बनाया गया बेटा उसमें इतने बच्चे नहीं आ पाए, तो इसमें बच्चा बच्चा कितने बच्चे आ पाए, 12 बच्चे आ पाए। इसमें जो नया सेक्शन बनाया गया बेटा, इसमें हमारे कितने बच्चे आ गए पाए, 12 बच्चे आ गए। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आगे चल के बेटा फिर अब इसमें क्या होगा, इसके यहाँ पे क्या होगा, क्या इतने पे ही ये क्लास रन करा दी जाएगी, क्या 18 और 12 के ही रेशियो में क्लास रन करा दी जाएगी, एक क्लास में 18 बच्चा हो जहाँ बच्चे के खड़े बैठने होने की जगह ना हो, बच्चों को खड़ा होकर पढ़ना पड़े, और एक क्लास में बेटा सीटें खाली हैं। तो अब बेटा क्या किया जाएगा इस केस में, क्या होगा, अगर आप कॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल होते हो तो आप क्या करते हैं, आप या आप क्लास टीचर होते हो क्या करते हैं, आप ये करते बेटा कि जो 9A है और 9B है उसको क्या करते बेटा, इक्वल कर देते, ठीक है, इक्वल कर देते। इक्वल करने का मतलब क्या बेटा, कि जितना बेटा वहाँ पे बच्चा है उतना ही बच्चा बेटा इसमें कर देते आप। तो जैसे ही बेटा इसमें देखो 18 बच्चा है, तो यहाँ कितना बेटा, 12 है, तो ये बताओ 12 का उधर ले जाओगे कि 18 का इधर आएगा बेटा, तो जाहिर सी बात है जिधर ज़्यादा बच्चा है उधर से बेटा किधर जाएगा, कम बच्चे की तरफ जाएगा। तो बेटा 18 बच्चा है तो 18 बच्चा किधर से आएगा, 18 बच्चा आएगा 12 बच्चे जिधर है, जिधर बच्चा कम बच्चा है। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे बेटा 18 बच्चा थे, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो कितना बच्चा बचा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 10 15, बेटा जहाँ पे 18 बच्चा था वहाँ पे कितना बच्चा बचा, 15 बच्चा बचा, कितना बच्चा बचा बेटा, 15 बच्चा बचा। यहाँ पे बेटा ध्यान से देखना, जहाँ पे पहले 12 बच्चा था अब वहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे बेटा टोटल क्या हुआ बेटा, 15 बच्चा बचा। नहीं समझ पाए आप, तो नहीं समझ पाए ध्यान से समझिए, यहाँ पे 18 था तो 18 था बेटा, तो जब ज़्यादा बच्चा जिस सेक्शन में था उस बेटा बहुत ज़्यादा बच्चा था उस सेक्शन में, तो उसके बाद क्या किया बेटा, जिधर कम बच्चे थे जिस सेक्शन बेटा कम बच्चे थे, ज़्यादा बच्चों को क्या बेटा किया, जो जिस सेक्शन में ज़्यादा थे उनसे बेटा उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, कम जो सेक्शन में बच्चे थे जिस सेक्शन में कम बच्चे थे उधर ट्रांसफ़र क्या कर दिया गया। तो बेटा ए सेक्शन 9th में क्या थे बेटा, 18 बच्चे थे, 9th बी में टोटल 12 ही थे, तो उसको इक्वल करने के लिए बेटा क्या किया गया, 3 बच्चे इधर भेज दिया गया, तो यहाँ पे 15 15 हो गए, 30 बच्चे टोटल बेटा एडमिशन हुए थे, तो इसमें 15 इधर हो गया, 15 इधर हो गया। तो ध्यान से देखिए, जो 15 हुआ बेटा, 15 इधर हो गया, 15 इधर हो गया, इसी चीज को बेटा ध्यान से समझिएगा, इसी चीज को बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, यही चीज अभी आप समझ जाएंगे सिलेक्टिवली परमिएबल क्या है, और अब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए, इधर से बच्चे का टूटना, इस क्लास से बच्चे का टूटना, ध्यान से, यहां से इस क्लास से बच्चे का टूटना, ठीक है, इस क्लास से बच्चे का टूटना बेटा, ध्यान से देखो, इस क्लास से बच्चे का टूटना और इस क्लास में बच्चे का एंट्री करना,
इस क्लास से बच्चे का टूटना, 18 बच्चे थे इस क्लास से, 3 बच्चों का निकलना और इस क्लास में 3 बच्चों का इंटर करना, ठीक है। इसमें से 3 बच्चे का निकलना और इसमें से 3 बच्चे का इंटर करना, बेटा ध्यान से देखना, इसमें से 3 बच्चे का निकलना और इसमें 3 बच्चे का इंटर करना, ठीक है। इसमें बेटा क्या हुआ, 3 बच्चे का निकलना और इसमें 3 बच्चे का बेटा इंटर करना, ठीक है। ध्यान से समझिएगा एक चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़, कि जो बेटा आप सेल होती है, जो आपकी जो सेल है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें बेटा जो डिफ्यूजन, सॉरी, इसमें बेटा जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, आप एक चीज़ बहुत ही आराम से दिमाग से समझने का प्रयास कीजिए। हमने अभी तक सिर्फ इतना बताया कि 9th है और 9th भी में क्या था, एक में 18 था, एक में 12 था, तो हमने बेटा क्या किया, इसको इक्वल कर दिया, तो 15-15 बच्चा कर दिया, ठीक है। तो जो 15-15 बच्चा बेटा हमने किया, तो इससे क्या सिद्ध हुआ बेटा, इससे यही सिद्ध हुआ कि जो जिस क्लास में 18 बच्चा था, 18 से किस में चला गया, 12 वाले में 3 बच्चा चला गया, तो 15 बच्चा बचा इसमें और 15 उसमें बचा। तो एक चीज़ आप बहुत अच्छे समझ गए कि कोई भी क्लास से जो बच्चा बाहर भेजा गया, वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ भेजा गया। ध्यान से समझिएगा, हायर कंसेंट्रेशन से, ये बेटा यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन था, ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन था, क्योंकि यहाँ पे बेटा 18 बच्चा था, यहाँ पे बेटा लोअर कंसेंट्रेशन था, क्योंकि बेटा यहाँ पे 12 बच्चा था। तो बेटा हायर कंसेंट्रेशन से कोई भी चीज़ अपने कहाँ भेजी जाती है बेटा, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ भेजी जाती है। ध्यान से समझिए, जैसे अभी ये बच्चे भेजे गए 18 से 12 की तरफ भेजे गए, तो 18 से 12 की तरफ भेजे गए, तो 15 इधर 15 हो गए, तो बेटा 12 से 18 भेजे गए कि 18 से 12 भेजे गए, 18 से 12 भेजे गए। कोई भी चीज़ बेटा अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ध्यान से इस बात को मैं 3 बार स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ, सारा मसाला बेटा 2 ही चीज़ बातों पर अभी तक टिका हुआ है, ठीक है। पहली चीज़ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ ही चीज़ों को अंदर या बाहर आने जाने की इजाजत देती है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा क्या होती है, हमेशा कोई भी चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, ठीक है बेटा। ये हम जैसों की भीड़ नहीं है बेटा, कि जहां कम है वो ज्यादा की तरफ भागते हैं, ठीक है बेटा, ये शेरों की भीड़ है, जहां ज्यादा है वो अपने कम की तरफ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा है तो ठीक है, तो देख लिया जाएगा, लेकिन जिधर कम है उधर पहुंचो, ठीक है। जैसे हम लोग क्या है कि जिधर ज्यादा है उधर भीड़ देख के भागते हैं, कि अरे यहां तो 5 ही बच्चा, चलो जिधर 50 बच्चा उधर भागते हैं, जिधर 50 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, जो शेर होता है ना बेटा, सियार और शेर में यही फर्क है, कि शेर क्या होता है, जहां ज्यादा है वो अपने कम की तरफ जाता है, अरे ठीक है इतने यहां तो बहुत ज्यादा है, चलो हम उधर चलते हैं जहां कोई नहीं है। तो शेर हमेशा जंगल का राजा इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि वो हायर कंसेंट अपने ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ मूव करता है, जहां पे कम मात्रा हो शेर की। शेर तो एक ही हो तो जब भी जंगल का राजा है, ठीक है। बट सियार जो होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं कि वो भीड़ देख के भागते हैं, वो नहीं, अगर वो 4 है तो डर जाएंगे, वो थर 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 कांपने लगेंगे, तो वो बेटा क्या होंगे, हमेशा ग्रुप वहाँ जाएंगे जहाँ ज़्यादा मात्रा हो, मतलब लोअर टू हायर जाएंगे। लेकिन वो नहीं बेटा, यहाँ पे हम आपको सही वाला एंगल दिखा रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हमेशा क्या होती है बेटा, अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाती है, ठीक है। जो ज़्यादा मात्रा में है वो हमने जो बताया बेटा, ये एक्सेप्शन था, ये एग्जाम्पल था, मज़े के लिए था, ये इसका आपसे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अभी तक आपने 2 ही बातें सीखी बेटा, पहली चीज़ ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों होती है बेटा, क्योंकि ये कुछ ही चीज़ों को अंदर अपने बाहर आने की इजाज़त देती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने आपको बताई बेटा, कि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है। तो ध्यान से देखिए, 18 था तो 12 बच्चा हो गया, 12 में थे तो यहाँ पे बेटा 15-15 हो गए, ठीक है। तो 3 उधर से आ गया तो बेटा यहाँ पे 15-15, ये इक्वलाइजेशन आपको समझ में आया। अब एक चीज़ यहीं पर ध्यान से समझ लीजिए, इस कक्षा से 3 बच्चों का निकलना, इस क्लास से 3 बच्चों का निकलना ही डिफ्यूजन है। क्या है बेटा? डिफ्यूजन है। इस क्लास में 3 बच्चे का घुसना ही बेटा क्या है? ऑस्मोसिस है। सारा खेल आप समझ गए बेटा? हमारी अंदर कोई चीज एंटर कर रही, यही बेटा क्या है? ऑस्मोसिस है, ठीक है। यही बेटा क्या है? ऑस्मोसिस है। हमसे कोई चीज बाहर जा रही, टूट रही बेटा, यही क्या है? डिफ्यूजन है, ठीक है। इतनी चीज आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद बेटा और अच्छा और डीप और अच्छे से इलेबोरेट हम करते हैं, ठीक है। इतना आप बस नोट कर लीजिए, इतना मतलब समझ लीजिए पहले, ठीक है। तो इतना समझ लेंगे बेटा ना, तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। हाँ तो बेटा, अभी तक हमने जो है आपको बिल्कुल बेसिक बताया था, कि बेसिक में हमने एक ऐसे ही बोला था कि क्लास का बच्चा आपके ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला गया, ये क्या है बेटा? ये ही जो है बेटा
डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता है, ठीक है बेटा। जिधर गया है, जिसमें गया, जिसके अंदर घुसा, वो ऑस्मोसिस हो गया, जहाँ से टूटा वो क्या गया, डिफ्यूजन। लेकिन ये बेटा नहीं है, वो हमने आपको समझाने को बताया था, तो उस पर बेटा गौर ना कीजिएगा, ठीक है। मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे है। हमने देखो बेटा, एक तरफ डिफ्यूजन लिख रखा है, एक तरफ ऑस्मोसिस लिख रखा है, ठीक है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एक तरफ लिख रखा है, और एक चीज़ आप पहले समझ लीजिए, बीच में हमने देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रखा है। तो बेटा आप सॉल्यूशन, आप जानते हैं सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन क्या है? जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, तो गर्मियों के टाइम हम ज़्यादातर उसे सॉल्यूशन देते हैं, कहते हैं अरे कोई सॉल्यूशन दो भैया इन्हें। सॉल्यूशन क्या है आप समझते हैं? पानी आपके यहाँ होता है, और उसमें हम क्या डाल देते हैं बेटा? शक्कर डाल देते हैं, ठीक है, रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं। सपोज दैट आप पानी है, तो आप क्या डालेंगे? शक्कर डालेंगे, प्राइमरी जो मेन चीज़ है, ठीक है। तो पानी और शक्कर को मिला देंगे बेटा, तो क्या बन जाएगा बेटा? सॉल्यूशन बन जाएगा। तो पानी बेटा सॉल्यूशन में, देखिए ध्यान से, जो पानी होता है बेटा वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है बेटा, और जो वे उसमें घुल जाती है चीज़ें, उसको क्या कहते हैं बेटा? सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम हिंदी में बोले बेटा, तो ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन को हम हिंदी में बेटा बोलते हैं विलयन। क्या कहते हैं बेटा? विलयन। जो बेटा सॉल्वेंट होता है, जो उसको अपने अंदर घुला लेता है, उसको क्या कहते हैं? विलायक, ठीक है बेटा। जो घुलता है उसको कहते हैं सॉल्यूट, ठीक है। जैसे निब्बी, निब्बी के दिल में कौन घुला? निब्बा, ठीक है, कहते हैं ना, अरे मेरे, मैं तो उसके दिल में जो है उतर गया हूँ, बिल्कुल घुल सा गया हूँ, मेरा सब कुछ डूब सा गया हूँ, कहते ना दिल में डूब गए वो, तो वो थोड़ा सा ऐसे रिलेट कीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन बेटा क्या हो गया कि सॉल्यूशन जो शब्द है बेटा, वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, विलयन और विलायन, सॉरी विलय विलेयक और विला, क्या बोला था हमने? सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा? विलयन, ठीक है। विलयन, विलयन में क्या होता है बेटा? विलायक और विलेय, ठीक है, जो भी है। क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब हो गया बेटा एक विलयन बन गया है, ठीक है। विलयन में क्या है बेटा? जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है, ठीक है, जो विलायक विलायक है उसको क्या कहते हैं बेटा? सॉल्वेंट कहते हैं। जो चीज़ बेटा घुल जाती है उसको क्या कहते हैं बेटा? विलयक कहते हैं, ठीक है। ये हिंदी हो गया, हिंदी आपसे जानना नहीं ज़्यादा, बस हमने आपको बता दिया। तो पहली चीज़ आप समझ गए कि सॉल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं आप, तो ए प्लस बी ये क्या है बेटा? ये सॉल्यूशन है, और आगे बेटा इसको तोड़ तोड़ के क्या होता है? यह सॉल्वेंट और सॉल्यूट में टूटती है, ठीक है। ठीक वैसे ही बेटा क्या है? सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जोड़ने पे क्या बनता है बेटा? सॉल्यूशन बनता है, ठीक। इतना आप समझ गए। अब बेटा देखो, एक तरफ हमने लिख रखा है डिफ्यूजन, एक तरफ हमने बेटा लिख रखा है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन की तरफ आप लिख लीजिए बेटा, डिफ्यूजन की तरफ लिख लीजिए गैस। डिफ्यूजन की तरफ बेटा आप क्या लिख लीजिए? गैस। और इस तरफ बेटा क्या लिख लीजिए? इस तरफ लिख लीजिए बेटा लिक्विड या वाटर। क्या लिख लीजिए बेटा? वाटर, ठीक है बेटा। इस तरफ आप लिख लीजिए वाटर। हमने अभी दो चीज़ बताई, पहली चीज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या बेटा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके क्या बनते हैं बेटा? सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने बताया, एक तरफ डिफ्यूजन लिखा है, एक तरफ ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन की तरफ आप लिख लीजिए गैस, और ऑस्मोसिस की तरफ आप लिख लीजिए वाटर, ठीक है, और वाटर। अब देखिए दोनों को पढ़ते हैं, पहले लिखा क्या गया बेटा, ठीक है। तो एज स्पॉन्टेनियस मोमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम अ रीजन हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ को बेटा नोट डाउन कीजिएगा, सॉल्यूट, ठीक है बेटा। अ स्पॉन्टेनियस मोमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम अ रीजन हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है बेटा? जो विलेयक होता है, ठीक है, सॉरी समझ रहे बेटा, जो विलेयक होता है, जो विलयन में जो विलायक होता है और जो विलेयक होता है, विलायक और विलेयक में ही फर्क है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप समझ गए। सॉल्वेंट हमेशा बड़ा होता है, और सॉल्यूट जो होता है उसमें घुलने वाला होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट का क्या होता है बेटा? स्पॉन्टेनियस मोमेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मोमेंट है फ्रॉम अ रीजन हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जो यहाँ पे बेटा सॉल्यूट है वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रहा है। ये किस केस में होता है बेटा? डिफ्यूजन के केस में। तो ये कौन करता है बेटा? ये गैस करता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने देख रखा है, तो बेटा सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन होता है बेटा वो गैस का होता है, इसके बाद बेटा लिक्विड का होता है, और सबसे ज़्यादा कम बेटा कहता है किसका होता है? सॉलिड का होता है। सबसे ज़्यादा जो बेटा डिफ्यूजन होता है वो किसका होता है? गैस का होता है, सबसे जो तेज़ होता है, क्योंकि बेटा इनके जो अंदर जो बॉन्ड होते हैं बेटा, गैसेस के जो बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, लेकिन जो सॉलिड के बॉन्ड होते हैं बेटा बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेटा सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन, सबसे तेज जो होता है डिफ्यूजन, वो किस में होता है बेटा? वो होता है गैसेस में, ठीक है। ध्यान से देखिए, यही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है,
इट इज द स्पॉन्टेनियस नेट मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देखिए, सॉल्वेंट वहां पे बेटा सॉल्यूट लिखा, यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा। सॉल्वेंट मतलब बेटा यहाँ पे जो है विलायक है, ठीक है, विलायक है, वो विलायक है, ये विलायक है, ठीक है। इट इज द स्पॉन्टेनियस मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल इनटू सेलेक्टिवली परमिएबल। आपको याद होगा बेटा, इसके पहले हमने पढ़ा था सेलेक्टिवली परमिएबल। बेटा ध्यान से देखना, ये जो चीज़ है, जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट आर से पार होगा बेटा, ये कब होगा बेटा, ये सेलेक्टिवली परमिएबल। बेटा एक जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, उसको आर पार करके बेटा क्या होगा, ये जो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा बेटा, ये आर पार करके होगा। अभी आप समझेंगे, ठीक है। तो इट इज़ द स्पॉन्टेनियस नेट मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यहाँ भी वही है बेटा, वहाँ पर सोल्यूट अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा था, यहाँ बेटा क्या, यहाँ सॉल्वेंट अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ ऑस्मोसिस है वो किसका बेटा, लिक्विड का, सबसे ज़्यादा लिक्विड का है, उसके बाद बेटा गैसेस का है, उसके बाद सॉलिड का है। क्यों बेटा, क्योंकि बेटा वही चीज़ यहाँ भी है कि जो बॉन्ड होते हैं बेटा वो लिक्विड गैसेस के सबसे वीक होते हैं, लेकिन जो बेटा यहाँ पे क्या हमने बोला कि सबसे ऊपर हमने पहले ही नोट कर दिया कि जो ऑस्मोसिस होता है बेटा वो हमेशा किसका होता है, लिक्विड का। वाटर क्या है बेटा, लिक्विड है, और जो डिफ्यूजन होता है बेटा गैस का होता है। तो यहाँ पे उसी के थ्रू आप समझिए कि वहाँ गैस है तो सबसे ज़्यादा गैस का होगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस वाटर का है तो आप लिक्विड ले लीजिए सबसे आगे, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब इसके बाद आपको पहले मेरी कहानी सुननी होगी, इसके बाद आपको आगे की कहानी जो यहाँ पे मेंशन है वो आपको सिखाई जाएगी, ठीक। इतनी चीज़ आपने सीख ली बेटा कि जो डिफ्यूज़न होता है बेटा वो भी उसमें क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है, सॉल्यूट अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है। और बेटा जो जो ऑस्मोसिस होता है वहाँ बेटा क्या होता है, सॉल्वेंट अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है बेटा कि डिफ्यूजन हमेशा किसका होता है बेटा, गैसेस का होता है, किसका होता है बेटा, गैसेस का होता है। ऑस्मोसिस हमेशा किसका होता है बेटा, वाटर का होता है, लिक्विड का होता है, ठीक। दो चीज़ें आपने समझ ली है। अब ध्यान से समझिएगा हमारी कहानी। आप जहाँ पे रहते हैं भाई, जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर अकेले तो रहते नहीं होंगे, आपके पास काफ़ी जो है बाहुबल होगा, ठीक है। बहुत से लोग आपके होंगे और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके बहुत सेलेक्टिव लोग होंगे, जिन पे आपकी 24 घंटे में 18 घंटे नज़र रहती होगी, ठीक है, जिनको आप वाच करते हैं दिन दिन भर। तो बेटा ऐसा होता है कि कुछ, आप समझ रहे हो ना, आप इतना डीप मुझसे ना समझो। तो जिनके ऊपर आपकी नज़र है बेटा, उस उनके ऊपर बेटा आपके अलावा उनके पेरेंट्स के या बगल वाले चचा की भी नज़र है, बगल वाली आंटी की भी नज़र है। तो आपकी नज़र जो है बेटा वहाँ पे काम कर नहीं पा रही, क्योंकि किसी और की भी नज़र आप दोनों पे है, ठीक है। तो काम बेटा क्या हो रहा है, बन नहीं पा रहा, ठीक है, रोड़ा आ रहा है कोई बीच में, समझ रहे हो। तो आपके दिमाग में है बेटा कि हम उनको ठिकाने लगाते हैं। तो आपने क्या किया बेटा, एक दिन क्या किया, अपने घर का बेटा क्या, अपने घर के बाहर आपने क्या उन नल खोल दिया अपना, ठीक है। घर के बाहर क्या क्या किया बेटा, आपने नल खोल दिया, नल खुला छोड़ दिया। तो क्या हुआ, रास्ते में पानी भर गया, ठीक है बेटा, रास्ते में क्या हुआ, पानी भर गया। तो पानी कहाँ गया बेटा, मान लो कि आपने आपके आपके दरवाजे से बेटा उसी गली में होते हुए नाली ओवरफ्लो हो गई और पानी उनके दरवाजे तक आ गया, ठीक है। ये आपने थोड़ा बहुत उनका नुकसान कर दिया। दूसरा नुकसान आप समझिए, आपने इतना किया तो क्या हुआ बेटा, पानी जो है इधर से उधर चला गया, ठीक है, पानी यहाँ से वहाँ चला गया। अब बेटा समझिए, इसके बाद क्या हुआ कि आपने इत्र छिड़का, इत्र समझ रहे हैं आप, जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए आपने इत्र छिड़का, तो इत्र देखिए आपने छिड़का, दिख रहा है आपको, दिखाई दिया, आपने क्या किया बेटा, इत्र छिड़का। तो इत्र छिड़का, पहली चीज़ आपने क्या किया बेटा, नल खुला छोड़ दिया आपने अपने घर का, ठीक है। तो नल जो खुला छोड़ा बेटा आपने, उससे क्या हुआ कि आपने उनको थोड़ी समस्या दे दी, थोड़ी सी समस्या हुई। इसके बाद क्या हुआ कि आप उनका उतना करने के बाद आपने इत्र छिड़का, आपने उनके घर पानी फेंक दिया, मतलब आप उनके घर के बाहर पानी पहुंच गए आपका, क्योंकि आपने नल खुला छोड़ दिया था। उसके बाद फिर आप टाइट वाइट हुए, बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के फिर से इत्र छिड़का आपने। अब इत्र की खुशबू आप के ऊपर पड़ी, जिसको आप देख रहे हो उसके ऊपर भी पड़ी, बगल वाली आंटी के ऊपर भी पड़ी, और सामने वाले अंकल के ऊपर भी पड़ी, क्योंकि इत्र भाई आप निकले तो गली मोहल्ले में जा रहे, तो सबको पता चल गया कि आपने क्या छिड़का, इत्र। अब आप और परेशान हो गए, आपको सब बड़ी अजीब टाइप की नज़र से देख रहे हैं। तो आपने क्या किया, नेक्स्ट डे फिर शाम को आप इवनिंग में आए, आपने क्या किया, आपने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, ठीक है, एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, और पत्थर आपने क्या किया बेटा, ठीक है, जैसे आपने क्या किया, एक पत्थर उठाया, एक स्टोन उठाया, और आपने पत्थर क्या किया बेटा, ज़ोर से आपने अपने छत से उछाला, किधर, किसके यहाँ, वो आंटी के यहाँ, ठीक है, आपने किसके यहाँ उछाला, आंटी के यहाँ। लेकिन बेटा आपने आंटी के यहाँ फेंका तो ये पत्थर शायद आंटी के यहाँ पहुँच जाए, फोर्स लगाने पर पत्थर शायद आप आंटी के यहाँ पहुँच जाए, लेकिन बेटा
आंटी के यहाँ पहुंचेगा ये तो ठीक है कि पहुंच जाएगा, लेकिन बगल वाले जो अंकल जी हैं जो वो भी रोड़ा बने हुए हैं, क्या उनके अभी यहाँ पहुंचेगा? इसकी कोई गारंटी है बेटा? ये जो पत्थर है बेटा, आपने आंटी के यहाँ तो फेंक दिया, आंटी तो ठिकाने लग गई, आंटी घर तो मान लीजिए पहुंच गया, लेकिन बेटा इसी पत्थर से अगर निशाना अंकल जी के यहाँ भी लगाना है तो क्या ये पत्थर संभव है पहुंचना बिना एनर्जी के? पहुंच सकता है बेटा? नहीं पहुंच सकता, ये एक साथ दो लोगों को निशाना नहीं बना सकता। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने सुना था कि अक्सर जो है एक गैस होती है जिसका यूज बहुत धड़ल्ले से हो रहा है, ठीक है, तो आपने बेटा पानी छोड़ा तो उन्हें थोड़ी परेशानी हुई, ठीक है, पानी से थोड़ी परेशानी हुई, आपने इत्र छिड़का तो सबको पता चल गया आपने इत्र छिड़क लिया है, आपने क्या किया परेशान हो गया, आपने पत्थर फेंक दिया तो उससे भी बहुत ज़्यादा काम ना बना, ठीक है, आंटी तो ठिकाने लगी, अंकल जी आज भी देखते हैं, ठीक, फिर आपने क्या किया बेटा, टीयर गैस ला दिया, क्या लाया बेटा, टीयर गैस, आपने टीयर गैस छोड़ी तो किसके, आंटी और अंकल दोनों परेशान हो गए, ठीक है, टीयर गैस छोड़ने से कौन कौन परेशान हो बेटा, आंटी और अंकल, आपने दोनों को ठिकाने लगा दिया, ठीक है, तो इससे जो ये जो प्रैक्टिकल हुआ बेटा, जो एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने कहानी आपको सुनाई, इस कहानी में आपने एक चीज़ देखी कि आपने पानी से प्रयास किया कि आप लिक्विड छोड़ दे, लिक्विड से उन्हें हानि पहुंचा दे, पानी, आपने पानी से प्रयास किया लेकिन पानी उनका कुछ ना बिगाड़ पाया, वो मान लो उनके दरवाजे तक पहुंचा, पानी से उनका बेटा कोई नुकसान ना हुआ, ठीक है, आपने बेटा क्या किया, इत्र छिड़का तो सबको पता चल गया, वो और भी आपसे देख के जलने लगा, अरे सला इत्र, सॉरी बेटा ये गलत शब्द यूज हो गया, ठीक, कह रहे ये तो इत्र छिड़क के घूम रहा है, परफ्यूम मार के घूम रहा है, ठीक है, तो बेटा उन्होंने कुछ और आपके ऊपर नज़र चौकस कर दी, फिर आपने क्या किया बेटा, नेक्स्ट डे क्या किया, पत्थर फेंका, पत्थर से दोनों लोग ठिकाने न लग पाए, फिर आपने क्या किया बेटा, आपने क्या किया, आपने टीयर गैस छोड़वा दी, ठीक है, टीयर गैस छोड़ दी, टीयर गैस से बेटा दोनों को परेशानी हो गई, ठीक है, दोनों को आपने ठिकाने लगा दिया, तो आपने एक चीज़ देखा बेटा कि इस पूरे घटनाक्रम में आपने दो चीज़ों को देखा है कि जो सबसे फास्ट रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने अपने घर के अंदर इत्र छिड़का अपने रूम में और रूम से आप बाहर गए तो आपके मोहल्ले में जितने लोग थे सबको पता चल गया कि आपने क्या बेटा इत्र छिड़का है, ठीक है, पहली चीज़ ये पता चल गई, आपने बगल में वाली आंटी के घर के बाहर पानी फेंका ये किसी को ना पता चला, सिवाय आंटी को पता चला होगा लेकिन उन्हें भी ना पता चला कि बदले की भावना से फेंकी गई है, ठीक है, आपने पत्थर फेंका तो भी आंटी को लगी होगी तो पता चला होगा कि आंटी को लगी हाँ किसने फेंका है, लेकिन ये भी हर जगह सबको नहीं पता चला होगा कि किसने फेंका है कहाँ फेंका ये नहीं पता चला, लेकिन बेटा जब आपने टीयर गैस छोड़ दी, जब आपने आंसू गैस छोड़ी तो बेटा आपको पता है आपके पूरे मोहल्ले को पता चल गया होगा कि उस मोहल्ले उस घर से जो है टीयर गैस छोड़ी जा रही, सभी को टीयर गैस की लपेट में ले लिया गया, तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा बेटा कि जो गैस है वो बहुत तेज जो है हर जगह फैल रही है, ठीक है, विसरण, यहाँ जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का मतलब बेटा विसरण, ठीक है, विसरण यानी कि गैस बहुत तेज विचरण कर रही है इस इन्वायरमेंट में, ठीक है, गैस बहुत तेजी से फैल रही है इस इन्वायरमेंट में, इसका मतलब क्या है कि गैस जो है अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रही है, इसका मतलब यह है कि जिस रूम में आपने इत्र छिड़का था, जिस रूम में आपने इत्र छिड़का था, इस रूम में आपका इत्र बहुत तेज फैल गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया था, फिर जब आप बाहर गए तो ये अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, या तो आपकी खिड़की टूटा का ग्लास टूटा था उससे बाहर चली गई, या तो जब आप बाहर गए तो ये फिर जो है हर जगह चली गई, क्योंकि आपके कपड़े में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी, अपने हायर कंसेंट्रेशन से क्या हुई लोअर कंसेंट्रेशन में चली गई, इसी के थ्रू बेटा इसी के जैसा सेम टीयर गैस जिस बॉक्स जिस सिलेंडर में बेटा टीयर गैस रखी जाती है आप समझिए कि वो बहुत अपने हायर कंसेंट्रेशन में होती है, तो बेटा गैस वो जो है वो हायर कंसेंट्रेशन में थी, टीयर गैस जिस सिलेंडर में रखी गई थी बेटा बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, तो वो भी बेटा क्या हुई अपने हायर कंसेंट्रेशन से बगल वाली आंटी के घर में गई, तो इसका मतलब क्या हुआ हायर से कहाँ गई लोअर कंसेंट्रेशन, क्योंकि टीयर गैस अपने घर में कोई थोड़ी रखता है बेटा, ठीक है, तो टीयर गैस सिलेंडर में थी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, उसको आपने खोल दिया छोड़ दिया खुला छोड़ दे दी तो कहाँ चली गई बेटा हायर से लोअर कंसेंट्रेशन में, ठीक है, जैसे आपने इत्र छिड़का, ठीक, तो इस प्रोसेस इस पूरी घटनाक्रम में आपने एक चीज़ बेटा सीखी है कि जो डिफ्यूजन होता है बेटा डिफ्यूजन हमेशा किसकी होता है किसका होता है बेटा गैसेस का होता है, क्योंकि बेटा बीट सबसे जो बेटा जो होता है क्या होता है वीक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वीक बॉन्डिंग होती है बेटा किसकी गैसेस की, लिक्विड की थोड़ा उससे वीक थोड़ा उससे स्ट्रांग होती है, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग किसकी होती है बेटा सॉलिड की, आप सॉलिड से पूरे मोहल्ले को नहीं परेशान कर सकते, ठीक है, आपको एक एक व्यक्ति को निशाना लगाना पड़ेगा, बगल वाली आंटी को पहले एक मारी है फिर अंकल को अलग से मारी है, ठीक है, अलग अलग बार बार आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान से देखिए क्या यहाँ पे आपको टीयर गैस छोड़ने में कोई एनर्जी खर्च करनी पड़ी, आपने खोले सिलेंडर खोल के छोड़ दिया पूरा मोहल्ला परेशान, ठीक, आपने इत्र लगाया क्या आपने एनर्जी की आप सबको आपके सबने आपने सबको जाके पाउच बांटे क्या देखो मैंने इत्र छिड़का हुआ है पाउच ले लो पाउच नहीं छिड़का ना आपने बेटा सबको, तो इसमें क्या हुआ बेटा किसी भी प्रकार की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हुई किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत ना पड़ी और ये अपने आप क्या हुआ बेटा फैल गई हर जगह, ठीक है, अपने हायर कंसेंट्रेशन से अपने लोअर कंसेंट्रेशन में बेटा क्या हुआ ये फैल गई, ठीक है, इसी को बेटा क्या कहते हैं इसी को बेटा हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, अपने हायर कंसेंट्रेशन जब कोई चीज़ लोअर कंसेंट्रेशन में जाती है इसी को बेटा हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है,
एक चीज को हम इसको और अच्छे से बेटा इलेबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बेटा देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ग्लास है, ठीक है, ये वाच ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। बेटा एक ग्लास में देखो बेटा स्टोन भरा हुआ है, पत्थर भरा हुआ है, ठीक है, जो सबसे किनारे वाली चीज़ है, सॉलिड, जिसकी बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग है, ठीक है बेटा, सॉलिड भरा हुआ है, सॉरी स्लो सॉलिड भरा हुआ है, ठीक है। दूसरी ग्लास में बेटा ध्यान से देखिए, इसमें क्या बेटा भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ, पहली में बेटा सॉलिड भर दिया, दूसरी में लिक्विड भर दिया। अब बेटा एक ग्लास हमारे पास और है, ठीक है, अब बेटा एक ग्लास हमारे पास और है, ठीक है, अब बेटा इसमें हम भरना चाहते हैं बेटा गैस, बेटा अभी इस ग्लास में हम भरना चाहते हैं गैस, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बेटा यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो हमने थोड़ा सा गैस डाल दी, तो बेटा गैस पहुँची क्या, आपको गैस दिख रही क्या, हमें तो बेटा बिल्कुल दिख ही नहीं, कहाँ रहेगी बेटा गैस, दिख रही क्या कहीं से, बेटा गैस दिखी क्या आपको, नहीं दिखे ना बेटा, गैस गैस नहीं दिख रही ना किसी को। तो बेटा हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि गैस, या तो फिर हम ऐसे इसको खुला छोड़ दें ऐसा, जिससे दिखाई दे कि देखिए निकल रही गैस, ठीक है, लेकिन बेटा ऐसे तो खुला छोड़ नहीं सकते पूरे टाइम, तो हमें बेटा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गैस बनाने के लिए कुछ ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे गैस बनती रहे, ठीक है। तो हम एक नई चीज़ कर रहे हैं जिससे कि देखिए यहाँ पे गैस बनती रहेगी, ठीक। तो अभी तक आपने बेटा क्या देखा, सॉलिड देख लिया, लिक्विड देख लिया, ठीक है, अब हम बेटा क्या कर रहे हैं, गैस भी बना रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम गैस भी बना रहे हैं, सॉलिड लिक्विड आपने देख लिया बेटा, हम देखिए यहाँ पे गैस भी बना रहे हैं। तो देखो सॉलिड लिक्विड के बाद बेटा देखो यहाँ पे हम गैस बना रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड देख लिया बेटा, लिक्विड देख लिया आपने, अब यहाँ पे देखिए गैस बनने जा रही है, ठीक है, हम पूरी गैस की फैक्ट्री लगा दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि गैस की फैक्ट्री लगने जा रही है, ठीक है। वन मिनट बेटा, गैस की फैक्ट्री बन गई है, देखो गैस दिखाई देने लगी होगी आपको, ठीक है, बस अब गैस आप तक पहुंच रही है बेटा। बेटा ध्यान से देखिए, हमारे पास गैस दिख रही है बेटा, आपको गैस दिखाई देने लगी, देखो यहाँ पे गैस बनने लगी है, दिख रही है आपको, ये हमारी बेटा क्या होगी, गैस की फैक्ट्री है, ठीक है, गैस दिख रही है आपको, दिख रही ना बेटा गैस, आपको दिख रही है सबको गैस। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सॉलिड है, ठीक है बेटा, सॉलिड दिख रहा है आपको, यहाँ पे बेटा क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड और गैस है, तीनों चीज़ें आपको दिख रही हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग किसकी बेटा, सॉलिड की है, उसके बाद बेटा उससे थोड़ा कम बेटा किसकी, लिक्विड की, और सबसे कम बॉन्डिंग किसकी बेटा, गैस की। ध्यान से देखिए बेटा, तीन चीज़ें आपको रखी हैं, तीनों खुली ग्लास में रखी हुई हैं, लेकिन आपको बेटा सबसे ज़्यादा दिख रहा है कोई चीज़ उड़ते हुए दिखाई दे रही है, क्या आपको दिख रहा है कि सॉलिड पत्थर अपने आप उड़ते हुए ऊपर दिखाई दे रहा है, दिखा क्या बेटा, क्या पानी आपको दिख रहा है क्या अपने आप ऊपर उछल रहा है, ये बेटा आप दिख रहे हैं कि गैस लगातार आप देख रहे हैं, गैस आपने खुली मात्रा में रख दी, गैस कितनी तेज ऊपर उड़ती जा रही है, ठीक है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि ये जो यही जो चीज़ है, यही बेटा क्या है, ये क्या है कि यही बेटा डिफ्यूजन है, ठीक है, यही बेटा डिफ्यूजन है। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को और अच्छे से इलैबोरेट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये गैस हमारे पास है, ठीक है, ये गैस हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है, गैस है, अब ध्यान से देखिए, गैस ये है और गैस इस मान लीजिए सिलेंडर में रखी हुई है, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर को हम पैक कर दे रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक टाइम बेटा ऐसा आएगा, देखते जाइएगा आप, अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर बेटा देखिए ऐसा होगा, बेटा ध्यान से देखिए, अब गैस इसमें भर गई है बहुत ज्यादा, देखिए बेटा गैस बगल से निकलने लगी है, ध्यान से दिख रही है आपको बेटा, दिख रही है गैस आपको बगल से निकलते हुए, देखिए बेटा गैस बगल से दिख रहा है आपको, बगल से गैस देखिए निकलना स्टार्ट हो गई, ठीक है, देखिए एक दिख रहा है बेटा आपको, बगल से गैस स्टार्ट हो गई, और ये देखिए ग्लास भी थोड़ा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा है, ठीक है, देखा, थोड़ा सा मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ध्यान से देखिए ऊपर उठ भी रहा है। तो बेटा क्या हो, यहाँ पे हम क्या चीज़ सीख पा रहे हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ पे रखी हुई है और अपने हायर कंसंट्रेशन से, यहाँ देखिए गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है क्योंकि फैक्ट्री है बेटा, तो यहाँ पे गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है और ये गैस अपने हायर कंसंट्रेशन से, अब देखिए यहाँ पे बाहर ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अपने ज़्यादा मात्रा से बेटा कहाँ जाती है, हमेशा अपने कम मात्रा की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो देखिए गैस यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, अब ये कहाँ पर जा रही बेटा, अपने हायर कंसंट्रेशन से कहाँ पर जा रही, लोअर कंसंट्रेशन,
बेटा यही चीज क्या है, डिफ्यूजन है। यही चीज बेटा क्या है, डिफ्यूजन है। हमने बेटा आपको दिखाया कि देखिए पानी है, ठीक है, जैसे आपने देखा कि गैस अपने आप बाहर जाने लगी, बेटा आपने देखा। अब ये देखिए सॉलिड है, सॉलिड को हम ढक देंगे बेटा तो क्या कुछ दिनों में क्या, या क्या एक आध महीने में कभी कुछ ना होगा इसमें? एक आध महीने अगर आपका इसको ऐसे रखने दीजिए, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगर आप हाँ लिक्विड में थोड़ा प्रयास करने की, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए लिक्विड में कुछ टाइम बाद इसका पानी कम हो जाए, ठीक है, इसका पानी कम हो जाए या उड़ जाए इसके बाद जो भी बाहर निकल जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा कि सबसे तेज किसकी बॉन्डिंग बेटा, सॉलिड की। सॉलिड में क्या हुआ बेटा, डिफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं शो कर रहा, ठीक है। लिक्विड में बेटा थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है कभी भी, थोड़ा बहुत कई महीनों सालों के प्रोसेस के बाद, ठीक है। लेकिन बेटा आप देख रहे हैं कि गैस में आप देख रहे हैं कि आपको टाइम ही नहीं लग रहा, गैस में आपको टाइम ही नहीं लग रहा, देख रहे हैं आप। पूरी फैक्ट्री है बेटा, फैक्ट्री देख रहे हैं, गैस कितनी तेज फैलती जा रही है, गैस देख रहे हैं आप कितनी तेज फैक्ट्री में गैस निकल रही है। तो ये क्या कर रही है बेटा, अब तुरंत निकलता, तुरंत एग्जांपल आपको दिखाई देने लगा है, ठीक है। तुरंत एग्जांपल दिख रहा है कि अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, ठीक है, दिख रहा है बेटा आपको। बस यही जो चीज है बेटा, ध्यान से देखिए, यही जो चीज है बेटा, इसी चीज़ को बेटा हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम बेटा डिफ्यूज़न कहते हैं, इसी चीज़ को बेटा हम डिफ्यूज़न कहते हैं। और ध्यान से देखिए, इसमें हमने बोला आपकी नो एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या बेटा कोई एनर्जी लग रही, गैस की फैक्ट्री से अपने आप गैस निकल रही और बाहर उड़ती चली जा रही, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। और बेटा ध्यान से देखिए, ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटी, हमारे अंदर हमारी जो बॉडी है बेटा, इसमें बेटा हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन आती है और बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ठीक है बेटा। CO2 आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो बेटा हमने बताया कि डिफ्यूजन का मतलब क्या बेटा, टूटना, टूट के बाहर जाना। तो बेटा यहाँ पे हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन के आने की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है तो वो बेटा CO2 के फॉर्म में बाहर निकल रही है, ठीक है। वो बेटा अंदर क्या हो, एक्सचेंज हो जा रहा है गैसेस का, अपना जो भी रिएक्शंस हो रही, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के बाद बेटा क्या हो रहा कि O2 ऑक्सीजन आके बेटा CO2 में कन्वर्ट हो जा रही है, CO2 के रूप में बाहर निकल रही है, ठीक है बेटा। यही बेटा क्या है, यही क्या है, CO2 लीव्स द सेल थ्रू डिफ्यूजन, CO2 लीव्स द सेल थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव कर रही सेल के बाहर थ्रू डिफ्यूजन, CO2 एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चली जाती है। CO2 क्या करती है बेटा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चली जाती है, ठीक है। जैसे देखिए हमारी बॉडी में बेटा ऑक्सीजन जा रही है, CO2 देखिए ध्यान से, CO2 बाहर निकल रही है, दिख रहा है आपको, CO2 बेटा हमारी बॉडी से क्या बढ़ बेटा, डायरेक्ट CO2 निकल रही है, ठीक है। तो यही बेटा क्या है, CO2 है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। ये बेटा आपने क्या सीख ली बेटा, डिफ्यूजन हमेशा किसका होता है बेटा, गैसेस का। अब आपको मैं समझाने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा आपने समझ लिया। अब बेटा हम बात करें ऑस्मोसिस के, हमने आपको बताया कि ऑस्मोसिस हमेशा किसका होता है, वाटर का होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस किसका होता है, वाटर का होता है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास बेटा सेम वैसे ही 3 ग्लास पड़े, ठीक है। देखिए बेटा एक ग्लास में बेटा ये स्टोन भरा हुआ है, किसमें भरा हुआ बेटा, स्टोन भरा हुआ है, पत्थर भरा हुआ है। देखो बेटा हमारे पास स्पंज पड़ा हुआ है, स्पंज, ठीक है। हम बेटा क्या कर रहे हैं, इस स्पंज को इसमें डुबो रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हम एक मिनट दो मिनट घंटे एक घंटे दो घंटे, एक हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने हमने इसको इसमें डुबा रहने दिया, ठीक है। ये स्पंज हमारा पूरी तरह से इसमें, हमारे इस ग्लास में डुबा रहा, ठीक है। बेटा ये बताओ, क्या ये पत्थर इसमें से यहाँ पे स्पंज हमारे आ जाएगा? क्या कभी सब ऐसा पॉसिबल है कि कोई पत्थर टूट के हमारे स्पंज में आ जाए? पॉसिबल है बेटा? नहीं है। पॉसिबल है? अगर आप कर सको तो बेटा बताओ मुझे, ये जो बेटा पत्थर भरा हुआ है, जो सॉलिड भरा हुआ है बेटा, क्या ये हमारे स्पंज में आ सकता है? ये हमारे स्पंज में कभी नहीं आ सकता बेटा, ठीक है, कभी भी नहीं आ सकता बेटा। इसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये गैस उठा रहे हैं, ठीक है, ये गैस की फैक्ट्री को उठा रहे हैं बेटा। हम ऐसे इसमें रख रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, कुछ टाइम में रखने पे, बहुत करने पे, मान लीजिए 1%, ये जितना भी गैस है बेटा, ध्यान से देखिए, 1% हमारे इसमें किसमें, स्पंज में आ सकती है, ठीक है। 1% आ सकती है, कोई कन्फर्म नहीं बोल रहे हैं, आने की संभावना 1% है, अगर पड़ा रहेगा तो 1% गैस इसमें हमारे स्पंज में आ सकती है, ठीक है। हम बेटा ऑस्मोसिस सिखाने जा रहे हैं। अब बेटा आपने क्या देखा, आपने देख लिया बेटा गैस और सॉलिड, ठीक है। अब बेटा मेन जो बात करने जा रहे हैं वो लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, हमने किसको देख लिया बेटा, हमने बेटा किसको देखा, सॉलिड को देख लिया, गैस को देख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी, लिक्विड की। ध्यान से देखिए, हमारे पास लिक्विड है, वाटर है, ठीक है। अब बेटा इसी स्पंज को हमने पानी में डाला, ठीक है, इसी स्पंज को देखिए हमने पानी में डाला, और बेटा आपने देखा कि पानी, देखिए दिख रहा बेटा आपको पानी यहाँ से दिखते हुए, ठीक है। हमारा क्या हुआ बेटा, पानी स्पंज में भी आ गया, दिख रहा आपको बेटा, स्पंज से हम पानी निकाल लें, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा। क्या बेटा इसको इसमें आने में टाइम लगा क्या, इसको यहाँ पे जैसे हमने लिक्विड को रखा, सॉलिड को रखा, फिर हमने गैस को रखा, गैस को आने में टाइम लगा, फिर गैस नहीं, यहाँ देखिए आप डुबो रहे हैं,
कि तुरंत देखिए इतनी ज़्यादा निकलने मात्रा स्टार्ट हो गई, दिख रहा है आपको? इधर भी जितना आप उगड़ते जाएंगे उतनी देखिए निकलती जाएगी, दिख रही है आपको? तो बेटा आपने देखा कि स्पंज बेटा बेटा क्या होता है कि लिक्विड बहुत तेज़ फैल रही है, बहुत तेज़ फैल रही, मतलब क्या है कि आपको हमने बताया कि डिफ्यूज़न में क्या हो रहा था बेटा, गैस अपने आप उड़ती चली जा रही थी, बाहर निकलती जा रही थी, और यहाँ पर देखिए हमने इसको ऐसे भर दिया। तो बेटा ये बताओ, ये स्पंज, ये पानी का स्पंज में आने में कोई एनर्जी लग रही है? हमको एनर्जी खर्च कर रहा है? नहीं कर रहा, बस इसको डाल दिया और देखिए अपने आप यहाँ पर निकलने लगा। ठीक है, देखिए इसको दबाते जाएंगे, देखिए यहाँ से निकलते रहेगा। तो इसमें कोई एनर्जी नहीं खर्च हुई बेटा, ये क्या हुआ, अपने आप ये पानी जो था वो कहाँ पे आ गया बेटा, अपने हायर कंसंट्रेशन से। यहाँ इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, ये अपने हायर कंसंट्रेशन बेटा क्या हुआ, अपने लोअर कंसंट्रेशन में अपने आप आ गया। इसमें कोई बेटा हमने एनर्जी नहीं खर्च करी, ठीक है? तो देखिए ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ा, हमारे स्पंज में पानी नहीं था, बहुत कम था या नहीं था, तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा था, तो ये हायर कंसंट्रेशन से बेटा किसमें चली गई, लोअर कंसंट्रेशन में। इतना बेटा आपने बेसिक जान लिया, ठीक है, इतना आपने जान लिया। अब बेटा इसको और भी हम साइंटिफिक समझा रहे हैं, ये आपने अभी तक बेसिक जाना, कि अभी तक हमने बोला कि हमने पानी में भी, उसमें सॉलिड में भी ट्राई किया, गैस में भी ट्राई किया, लेकिन वाटर में हमने ट्राई किया, लिक्विड में। तो देखिए स्पंज में क्या हुआ, पानी आ गया, ठीक है, स्पंज में पानी आ गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ बेटा कि ऑस्मोसिस वाटर का ही होता है, ठीक है, ऑस्मोसिस हमेशा किसका होता है, वाटर का होता है, ठीक है। वो हमेशा ऑस्मोसिस कहते हैं ना, कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या कहते हैं, परासरण, ठीक है, परासरण, परासरण मतलब जो खींच ले ठीक चीज़ों का, ठीक है, जो चूसने का काम करे। तो जो किसको खींच रही है भाई, कोई चीज़ स्पंज है, तो स्पंज ने गैस को नहीं खींच पाया, वो लिक्विड सॉलिड को भी नहीं खींच पाया, लेकिन देखिए कि स्पंज ने किसको खींच लिया बेटा, वाटर को खींच लिया। कोई एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही, नहीं रिक्वायर्ड हुई ना बेटा। तो वही चीज़ अब यहाँ पे देखिए, और हम आपको बहुत ही साइंटिफिक कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ अब कर रहे हैं हम, गैस की फैक्ट्री बंद कर दे अपनी, ठीक है बेटा, अब गैस की जो फैक्ट्री बेटा इसको हम बंद कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब बेटा जो गैस की फैक्ट्री है इसको हम थोड़ा सा बंद कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गैस फैलती जा रही है स्टूडियो में हमारे, और आने वाले टाइम में समस्या हो सकती है, इसलिए बेटा गैस की फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे हमने गैस की फैक्ट्री को बंद कर दिया, ठीक है, अब गैस की फैक्ट्री हो गई बेटा फाइनली बंद, ठीक। और हमारे पास तो बेटा फायर एक्सटेंसर भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए गैस ज़्यादा हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी, स्टूडियो में आग लगने की संभावना है, ठीक है। अब बेटा हमने आपको एक चीज़ दिखाया कि डिफ्यूज़न तो आप फाइनली समझ गए बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा। अब ऑस्मोसिस आपको समझना है, हमने बेटा क्या किया कि स्पंज लिया, और स्पंज को हमने क्या किया, पहले हमने गैस में डाला, फिर हमने सॉलिड में डाला, और हमने फाइनली लिक्विड में डाला। तो क्या बताइए, स्पंज में हमारे गैस आई नहीं आई, हमारे कोई सॉलिड टूट के अपने आप चिपक गया, नहीं चिपका। लेकिन आपने देखा बेटा कि क्या हुआ, हमारी जो सॉलिड लिक्विड थी, वाटर जो हमारा था, वो अपने आप आधे से ज़्यादा किस में आ गया, स्पंज में आ गया, मतलब अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला गया। तो हमने आपको बताया था डिफ्यूजन हमेशा किसका होता है बेटा, गैसेस का होता है, और ऑस्मोसिस हमेशा किसका होता है बेटा, वाटर का होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम बेटा एक ग्लास और स्पंज का हमने आपको दिखा दिया, अब बाट की तीन चीज़ें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, हमने आपको एक चीज़ तो बता नहीं है बेटा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब जो बेटा जो विलायक होता है, सॉल्वेंट मतलब कि बेटा जो विलायक होता है, सॉल्यूट मतलब जो बेटा विलायक होता है, जो जिसमें घुल जाता है बेटा उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, जो घुलने वाला आदमी है बेटा, कहते हैं ना हम तुम्हारे प्यार में डूब गए हैं, तो तुम जिसके प्यार में डूबे हो बेटा वो सॉल्वेंट है, तुम जो डूब रहे हो बेटा वो सॉल्यूट है, ठीक है, और जो डूबने और डुबाने का जो प्रोसेस है बेटा इसको सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, यही जो मिल जाता है बेटा क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे हम आपको तीन चीज़ें समझाने जा रहे हैं, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत तेज़ एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा से आपको समझाएगा बेटा। हमारे पास तीन ट्रांसपेरेंट ग्लास है, आपको दिखाई दे रही है, अब बेटा ध्यान से देखिए, हम तीनों ट्रांसपेरेंट ग्लास में बेटा क्या कर रहे हैं बेटा, हम सॉल्वेंट डाल रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, हम तीनों में क्या कर रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट डाल रहे हैं, हमने तीनों ग्लासेस में देखिए बेटा क्या किया, सॉल्वेंट डाल दिया। बेटा ध्यान से देखिए, हमने क्या किया बेटा, तीनों ग्लासों में हमने क्या बेटा क्या किया, सॉल्वेंट डाल लिया। आपको बेटा दिखाई दे रहा, तीनों ग्लासों में बेटा सिर्फ सॉल्वेंट अभी तक पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तीनों ग्लासों में बेटा अभी तक क्या पड़ा हुआ, सिर्फ सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, सॉल्वेंट मतलब समझ रहे हैं आप, पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, सॉल्वेंट मतलब बेटा क्या पड़ा हुआ, विलायक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, जो पहला एक्सपेरिमेंट है, पहला जो है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या है बेटा, सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, एक चीज़ ध्यान से देखिए, हम पहले इसमें लिखते जाएंगे, ठीक है, पहली ये पहला ग्लास है बेटा, इसमें हम लिख ले रहे हैं वन, पहला
पहला ग्लास है, इसमें हम लिख ले रहे हैं वन, ठीक है। इसमें बेटा इस एक्सपेरिमेंट में क्या बोल रहा है बेटा, आप ध्यान से देखिए, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक, ठीक है बेटा। पहला जो एक्सपेरिमेंट है बेटा वो हाइपोटॉनिक है, ठीक है, हाइपोटॉनिक। इसमें ये बोला गया बेटा कि सॉल्वेंट ज़्यादा हो, ठीक है, सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सॉल्यूट कम हो। बेटा देखिए कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की तरह जो हम इसको यूज कर रहे हैं बेटा, ये हम किसको यूज कर रहे हैं, किशमिश को, ठीक है। हम किशमिश को इसमें डाल रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बेटा हम किशमिश के तीन पीसेस को डाल रहे हैं, ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको बेटा, वन टू और थ्री। बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है हाइपोटोनिक का, हाइपोटोनिक में देखिए कि सॉल्विट, सॉल्यूट हमारा जो है बेटा कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, किशमिश कम है। हमने देखिए बेटा इसको डाल दिया, ये आपको दिखाई दे रहा बेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए बेटा इसको हम साइड कर रहे हैं, ठीक है, अभी कुछ टाइम बाद हम दिखाएंगे, फ्यू मिनट लेटर, ठीक है। पहला आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है बेटा। अब आपने दूसरा ग्लास उठाया बेटा, दूसरे ग्लास में क्या कह रहा है बेटा, सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है, पानी कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है, सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। उसमें क्या था बेटा, सॉल्यूट ज्यादा कम था, सॉल्वेंट ज़्यादा था, इसमें क्या है बेटा, सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है। तो इसमें देखिए बेटा किशमिश के नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमने डाला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया बेटा, बहुत ज़्यादा डाल दिया, सपोज दैट कि पूरी ग्लास भर गई है, ठीक है। इस पर बेटा हम क्या लिख ले रहे हैं बेटा, टू लिख ले रहे हैं, क्या लिख ले रहे हैं बेटा, टू। ये क्या बेटा, हाइपरटॉनिक, वो क्या था बेटा, हाइपोटॉनिक, ये क्या बेटा, हाइपरटॉनिक। ध्यान से देखते जाइएगा सब, उस वाले इसमें एक चीज़ और लिख ले रहे हैं, इस तरफ वाला बेटा हमेशा क्या है लिखा हुआ है, सॉल्यूट, ठीक है। इस वाले में क्या है बेटा, सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, ठीक है, सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। इस वाले में, पहले वाले में ध्यान से देखिए बेटा, सॉल्वेंट ज़्यादा था, उधर वाला सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, ठीक है। पहले वाले में, पहला और दूसरा हमने देख लिया बेटा। अब बेटा ध्यान से देखिए तीसरा केस, ठीक है बेटा, तीसरा केस, सॉरी बेटा एक चीज़ अभी, दूसरे वाले को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। पहला वाला आपने देखा बेटा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में बेटा क्या था, हाइपोटोनिक में बेटा क्या था कि हमने क्या किया बेटा, हाइपोटोनिक पहले वाले केस में हमने क्या किया बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा गलत हो गया है बेटा, इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम नंबर वन से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। हम एक ग्लास ले रहे हैं बेटा, ग्लास में देखिए हमने पानी लिया, पानी हमने तीनों में दिखाया था आपको, सेम डाला था सॉल्वेंट हमारा, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए हमने इसमें किशमिश के कुछ पीसे डाल दिए, ठीक है बेटा। तो इसमें हमारा सॉल्वेंट ज़्यादा था, सॉल्यूट कम था, सॉल्वेंट ज़्यादा था, सॉल्यूट कम था, ठीक है बेटा। तो देखो इसको हमने सॉल्वेंट ज़्यादा था, सॉल्यूट कम था, हमारा कौन था बेटा, नंबर वन, ठीक है। इसको बेटा देखो हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया। इसके बाद देखो बेटा हमने दूसरा ग्लास लिया, ठीक है बेटा, दूसरा ग्लास लिया, ये देखो बेटा हमने दूसरा नंबर लिख लिया, दूसरा ग्लास, ठीक है बेटा, दूसरा, दूसरे में ध्यान से रखिए बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया, सॉल्वेंट डाल दिया है, पानी डाल दिया है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें सॉल्यूट ज़्यादा रखना है, सॉल्वेंट कम रखना है, सॉल्यूट ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो बेटा इतने तो किशमिश के पीसेज हमारे पास है नहीं, कभी इसमें भर दें, इससे ज़्यादा पूरी ग्लास भर जाए, सॉल्यूट ज़्यादा हो जाए, सॉल्वेंट कम हो जाए। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है बेटा, सॉल्यूशन वो होता है बेटा इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट पड़ा हुआ बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूट, सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखिए हमारे पास NaCl पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा, साधारण नमक, ध्यान से दिख रहा है आपको बेटा, यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, साधारण नमक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले हम इस किशमिश वाले इस ग्लास में बेटा जो हमारा दूसरा नंबर है, जो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक में ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे ग्लास पड़ी थी, ग्लास में पानी पड़ा हुआ था। पहले वाले में क्या किया बेटा, हमने सॉल्यूट हमारे के पास क्या था, कम था, सॉल्वेंट ज़्यादा था, जो हाइपोटोनिक था, ठीक है, वो रखी हुई ग्लास। अब दूसरा तैयार हो रहा बेटा हाइपोटोनिक का, ठीक है। दूसरी ग्लास में देखिए हमने बेटा पानी पड़ा हुआ है, पानी के साथ बेटे देखिए हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। या भी बेटा क्या बन गया बेटा, ये बेटा बन गया सॉल्यूशन, ठीक है, ये बेटा क्या बन गया, सॉल्यूशन, ये बेटा बन गया सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, अब बेटा ध्यान से देखिएगा, पहली चीज़ उसमें बेटा सॉल्वेंट हमारे पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। अब बेटा हमने सॉल्वेंट जितना पड़ा था उतने हमने इसमें क्या डाल दिया, सॉल्यूट, क्या डाल दिया बेटा, सॉल्यूट। तो अब बेटा इसमें क्या इक्वल है, लेकिन अभी काम नहीं बन रहा, उसमें क्या लिखा है बेटा, सॉल्यूट ज़्यादा होना चाहिए। हमने क्या क्या किशमिश के कुछ पीसे डाल दिए, कितने डाल दिए बेटा, तीन या चार डाल दिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, ज़्यादा डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया, क्योंकि बेटा सॉल्वेंट सिर्फ पानी था, सॉल्वेंट क्या था, सिर्फ पानी था। लेकिन सॉल्यूट में क्या हुआ बेटा, सॉल्यूट में क्या क्या हुआ,
पानी, सॉरी, सॉल्यूट में क्या क्या हुआ बेटा, किशमिश और नमक दोनों साथ में मिक्स हो गया, किशमिश और नमक दोनों साथ में मिक्स हो गया, ठीक है। पहले वाले में क्या, हाइपोटोनिक में क्या था बेटा, सॉल्यूट कम था, सॉल्वेंट ज्यादा था, पानी ज्यादा था, और यहां पे सिर्फ किशमिश था, कुछ नहीं पड़ा था। दूसरे वाले में क्या हुआ, सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, पानी कम था, हमने सॉल्यूट ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया बेटा, हमने क्या किया, पहले नमक डाल दिया, फिर हमने क्या किया बेटा, किशमिश डाल दिया। ये बेटा दूसरा सोल्यूशन है, ठीक है, दूसरा भी हम इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा तीसरा केस आ रहा है, ठीक है बेटा, तीसरा केस आ रहा है, तीसरे केस में ध्यान से देखिए, तीसरे केस में बेटा ध्यान से देखिए, हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया बेटा, हमने किया बेटा पानी पकड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा, ये बेटा तीसरा केस है। तीसरे केस में बेटा क्या है, आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक का मतलब बेटा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो बेटा, बराबर हो, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बेटा दोनों क्या हो, बराबर हो। यहाँ पे देखिए हमारे पास पानी की कम मात्रा है, पानी पड़ा हुआ है, हमने इसमें क्या किया, 7-8 बेटा किशमिश के कुछ पीसे डाल दिए, दिखाई दे रहे बेटा आपको, यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल दिख रहा है, ठीक है। ये बेटा हमारा एक्सपेरिमेंट कौन सा हुआ बेटा, तीसरा, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ बेटा, तीसरा। पहला बेटा क्या था, हाइपोटोनिक था, पहला क्या था बेटा, हाइपोटोनिक, जिसमें सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा। दूसरा क्या बेटा, हाइपोटोनिक, जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट कम, ठीक है, सॉरी, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम। तीसरा बेटा क्या, आइसोटोनिक, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या बेटा, दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ बेटा दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखिए बेटा तीनों को हमने यहाँ पर रख दिया बेटा, तीनों को रख दिया, ठीक है। हमने बेटा तीन एक्सपेरिमेंट किए हैं, पहला बेटा हाइपोटोनिक का है, हाइपोटोनिक में बेटा क्या हुआ है कि सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूट कम है, पहली ग्लास रख दी गई है, ठीक है, जिसमें पानी ज़्यादा है किशमिश कम है, पहली ग्लास, ध्यान से सुनते जाइएगा। दूसरा है हाइपरटोनिक जिसमें पानी कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा क्या क्या बेटा, पहले हमने उसमें NaCl डाल दिया और साथ ही बेटा उसमें क्या डाल दिया, किशमिश डाल दिया, तो वहाँ पे क्या बेटा सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिल गया तो बेटा सॉल्यूशन बन गया, जाहिर सी बात है सॉल्यूट पहले से मिला हुआ है, और उसमें बेटा किशमिश भी डाल दिया तो क्या हुआ, ज़्यादा सॉल्यूट हो गया, ठीक है। दूसरा केस जिसको मैंने बोला बेटा हाइपरटोनिक। तीसरा केस बेटा क्या है, जो आइसोटोनिक का है, तीसरा केस जो बेटा है वो आइसोटोनिक का है, जिसमें बेटा आपने देखा पानी भी कम था और उसमें हमने किशमिश भी उतनी डाल दी, ठीक है। तो तीनों के केस बेटा क्या इक्वल हो गए, ठीक है। पहला मतलब पहले वाले में क्या था, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या है बेटा, हाइपोटोनिक में सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट ज्यादा है, हाइपोटोनिक में क्या है बेटा सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट ज्यादा है। दूसरा हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक में क्या बेटा सॉल्यूट कम है सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है। तीसरा क्या बेटा आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक में क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट तीनों बराबर है, ठीक। पहला दूसरा तीसरा तीन ही केस बेटा बने अभी तक। पहला हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में ध्यान से समझिए पानी ज़्यादा है किशमिश कम है, पानी ज़्यादा है किशमिश कम है हाइपोटोनिक। पानी कम है किशमिश ज़्यादा है हाइपरटोनिक, पानी कम है किशमिश ज़्यादा है हाइपरटोनिक। पानी भी बराबर है किशमिश भी बराबर है क्या है आइसोटोनिक, ठीक। पानी कम सॉरी पानी ज़्यादा किशमिश कम हाइपोटोनिक, पानी कम नमक पड़ गया किशमिश पड़ गया यानी कि सॉल्यूट ज़्यादा हाइपरटोनिक, पानी बराबर किशमिश बराबर यानी आइसोटोनिक, तीनों चीज़ें आप समझ गए। अब बेटा अभी तक हमने इस एक्सपेरिमेंट को कर लिया, अब बेटा हम थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रुकते हैं क्योंकि 10 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 10 मिनट हमने वेट करा, अब देखिए बेटा 10 मिनट हो गए फिलहाल, ठीक है, सपोज दैट 10 मिनट हो गए, ठीक है, 10 मिनट हो गए। अब आपको बेटा एक्सपेरिमेंट देखने की बारी है, ठीक है, अब आपको एक्सपेरिमेंट देखने की बारी है। तो अभी तक बेटा सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें बेटा क्या है, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या है बेटा सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूट कम है, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या है बेटा सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूट कम है, ठीक है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट बेटा क्या है सॉल्यूट ज़्यादा है सॉरी सॉल्यूवेंट ज़्यादा है सॉल्यूट कम है। पहला वाला एक्सपेरिमेंट जो हाइपोटोनिक का है जिसमें क्या है बेटा कि सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, ठीक है, सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, ठीक, सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, वो बेटा क्या है वो हाइपोटोनिक है, ठीक है, वो हाइपोटोनिक है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा केसेस के बारे में, एक एक केस आपको बहुत डीप स्टडी करने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। अब बेटा हाइपोटोनिक पहला दिखाएंगे, दूसरा हाइपोटोनिक दिखाएंगे, तीसरा आइसोटोनिक दिखाएंगे, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट जो दिखाया जाएगा वो आपको क्या दिखाया जाएगा, हाइपोटोनिक का। हाइपोटोनिक में बेटा सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम था, ठीक है, सॉल्वेंट ज़्यादा था और सॉल्यूट क्या था कम था, ठीक है, वो बेटा क्या था हाइपोटोनिक था। तो बेटा ध्यान से देखिए, अब एक एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाने की बारी है, ठीक है, एक एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाने की बारी है।
हमने ये पहले यहाँ चीज़ आपको दिखाई कि देखिए ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है जो हाइपोटोनिक का था, ठीक है। अब हम क्लिक टिक करते जाएंगे बेटा, जो जो एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। अब बेटा पहली चीज़ हम बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक में बेटा क्या था एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जिसमें हमारा क्या था बेटा, सॉल्यूट कम था, सॉल्वेंट ज़्यादा था, यानी पानी ज़्यादा है और किशमिश कम है, ठीक है। तो पानी जहाँ ज़्यादा है बेटा और किशमिश कम है, तो क्या होगा, पानी अपने हायर कंसनट्रेशन से किधर जाएगा बेटा, लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। किधर जाएगा बेटा, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। और फाइनली आप रिजल्ट देख के चौंक जाएंगे कि देखिए यहाँ पे जो हमारा किशमिश है ये स्वेलिंग आ गई, इसमें स्वेलिंग कर गया, यानी कि बेटा किशमिश क्या हो गई बेटा, फूल गई। ध्यान से देखिएगा बेटा, किशमिश फूल गई है। किशमिश के फूलने का मतलब यह है बेटा कि जो यहाँ पे पानी था, जो ग्लास में पानी था बेटा, ये पानी अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ बढ़ा, यानी कि ये पानी ग्लास के पानी से किशमिश के पानी में चला गया। और किशमिश का पानी जब पानी जो किशमिश के में गया, ये अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको एक चीज़ अक्सर पढ़ाई हमने बोला है बार बार, सेमी सेलेक्टिवली परमेबल, यानी सेम सेलेक्टिवली परमेबल है, यानी कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको क्रॉस करनी पड़ती है, ठीक है। इसी के क्रॉस मूवमेंट आर या पार होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए किशमिश क्या है बेटा, एक प्लांट का पार्ट है। क्या बेटा, प्लांट का पार्ट है, यानी कि बेटा क्या है, ये एक सेल है, एक लिविंग है, ठीक है। प्लांट का पार्ट है मतलब बेटा एक लिविंग है। और ध्यान समझिए, अगर प्लांट है बेटा, जाहिर सी बात है इसमें बेटा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए कि किशमिश के अंदर बेटा हमारे क्या क्या भरा हुआ, शुगर भरा हुआ है, ठीक है, शुगर भरा हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए, शुगर हमारा बेटा इधर नहीं आ सकता, ठीक है। पानी में भी जो पानी बेटा, इधर का पानी इधर नहीं जा सकता, इधर का पानी सॉरी इधर का पानी सिर्फ इधर आ सकता है, ठीक है, शुगर नहीं आ सकता। लेकिन ध्यान से देखिए कि इसमें पहले से बहुत ज़्यादा पानी था, तो यहाँ इसके पानी की यहाँ की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे खुद ही बहुत ज़्यादा पानी है। तो क्या हुआ बेटा, इस केस में क्या हो गया कि यहीं का पानी बेटा इसमें चला गया, ठीक है। मतलब पानी जो ग्लास में भरा हुआ था, ये अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ बढ़ा, और किशमिश क्या हुआ, फूल गया। पहले केस में यही हुआ, सॉल्वेंट ज़्यादा था, सॉल्यूट कम था, यानी किशमिश फूल गई, ठीक। पहला केस आपने एक्सपेरिमेंट देखा, हैंस प्रूव्ड, आपने देख लिया, ठीक। अब दूसरे केस की बारी करते हैं, ठीक। दूसरा केस बेटा क्या था, जिसमें हमारा सॉल्वेंट क्या था, कम था और सॉल्यूट ज्यादा था, ठीक है। सॉल्वेंट कम क्यों था, क्योंकि बेटा पानी कम था, उसमें हमने क्या किया बेटा, हमने क्या कर दिया, नमक मिला दिया, तो बन गया सॉल्यूट, और जो सॉल्यूट के बराबर हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया बेटा, उसमें किशमिश डाल दिया। दूसरा केस बेटा, अब हम दूसरे केस की बात करें, इसको हम बेटा बोलते हैं हाइपरटॉनिक, ठीक है। ध्यान से देखिए हाइपरटॉनिक के केस में, हाइपरटॉनिक के केस में बेटा क्या हुआ कि हमने पहले से बेटा क्या कर दिया था, पानी में क्या किया, नमक डाल दिया, तो क्या हुआ, सॉल्यूट वो भी पड़ गया, तो वो भी बेटा क्या हुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें किशमिश और डाल दिया। तो अब देखिए क्या हुआ इस केस में, इस केस में बेटा ध्यान से देखिए कि हमारी जो किशमिश थी बेटा, वो देखिए श्रिंक कर गई। क्या कर गई बेटा, श्रिंक कर गई, यानी सूख के क्या बन गई, एकदम बिल्कुल श्रिंक कर गई, ठीक है, सिकुड़ टाइप की गई, सिकुड़न आ गया। ये कैसे आ गया, सोचिए ये कैसे आ गया, क्योंकि पानी तो देखिए यहाँ भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ, कैसे आ गया, सपोज दैट कि आप इमेजिन करिए कि कैसे आया। यही बेटा ऑस्मोसिस है, ध्यान से देखिए कैसे आया, ध्यान से समझिएगा। हमने पहले इसमें पानी भरा हुआ था, पानी हमारा क्या था, सॉल्वेंट था। इस केस में हमें क्या करना था बेटा, सॉल्यूट ज़्यादा रखना था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, यहाँ पे हमें क्या करना था, सॉल्यूट ज़्यादा रखना था। हमने क्या किया बेटा, नमक डाल दिया। क्या किया बेटा, नमक डाल दिया। अब बेटा जो नमक पड़ गया इसमें, अब नमक पानी दोनों बराबर हो गए, नमक और पानी दोनों बराबर हो गए। और अब साथ ही बेटा हमने इसमें किशमिश भी डाल दिया, हमने क्या किया बेटा, इसमें किशमिश डाल दिया। तो ध्यान से देखिए, इस समय जो है, इस केस में, इसमें पानी जो है वो किशमिश में पानी जो है, दोनों में जो पानी है, ध्यान से देखिए कि इसमें पानी कम है, इसमें पानी कम हो गया और किशमिश में पानी ज़्यादा था, ठीक है। किशमिश में पानी ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पानी के साथ हमने नमक मिला दिया, तो ये किशमिश का पानी क्या हुआ बेटा, इधर आ गया, अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आ गया, क्योंकि पानी के साथ यहाँ पहले से क्या था, नमक था। अगर पानी होता तो भी वही खूब फूल जाती, ठीक है, इसमें भी स्वेलिंग आ जाती, स्वेलिंग कर जाती, ठीक है, मोटी हो जाती, फूल जाती। लेकिन यहाँ पर क्या था बेटा, पानी के साथ बेटा क्या हुआ, नमक मिला था। क्या था बेटा, पानी के साथ नमक मिला था। और पानी के साथ नमक मिलने की वजह से बेटा क्या हुआ कि यहां पे इस केस में क्या हो गया बेटा कि ये जो है पूरी जो है सूख गई, ठीक है, पूरी क्या हो गई बेटा, श्रिंक कर गई, सूख गई, ठीक है ना। ये बेटा क्या हो गई, सूख गई, श्रिंक कर गई। तो ये हो क्या बेटा, दूसरा केस हो गया। इसमें बेटा क्या था, सॉल्यूट ज़्यादा था, सॉल्वेंट कम था। इसका मतलब क्या हुआ कि किशमिश में जो पानी था वो अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आया, ग्लास का पानी बढ़ गया, ठीक है, ये केस हुआ, ठीक। अब तीसरे केस की बारी है बेटा, तीसरा केस बेटा, जो हमने आपको बताया था कि जहाँ पे हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बेटा दोनों बराबर है, जिसको हमने क्या बोला था बेटा, आइसोटोनिक बोला था। क्या बोला था बेटा, आइसोटोनिक।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट जहां हमारा दोनों बराबर है। तो ध्यान से देखिए, इस केस में बेटा हमारा किशमिश और पानी दोनों एक बराबर था, तो इस केस में बेटा हमने रखने के बाद ध्यान से देखा किसमें बेटा कोई भी चेंज नहीं आया, बेटा कोई भी चेंज नहीं आया, जैसे हमने इसमें किशमिश डाली थी वैसे किशमिश अभी भी पड़ी हुई है और शायद थोड़ा बहुत चेंज है लेकिन बिल्कुल चेंज नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। और ये किशमिश अगर 4 घंटे और पड़ी रहेगी तो भी ऐसे ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि पानी और किशमिश दोनों का जो है कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है, तो वाटर का कंसंट्रेशन दोनों में बराबर है। तो अभी तक ये 3 एक्सपेरिमेंट बेटा यही हमें सिखा रहे हैं कि कोई भी चीज़ अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, जैसे कि डिफ्यूजन के केस में बेटा गैस थी, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ लोअर कंसंट्रेशन में जा रही थी, और यहाँ पे क्या है ऑस्मोसिस के केस में बेटा क्या है वाटर है, ठीक है, जो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ रही है, ठीक, यही बेटा क्या है ऑस्मोसिस है, यही बेटा क्या है ऑस्मोसिस है। तो कुल मिला के आप इस बात को समझ गए कि पानी जैसे जैसे आपने देखा कि पानी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था। पहला केस जो हाइपोटोनिक का था उसमें क्या था बेटा कि पानी जो है किशमिश में गया और पानी किशमिश फूल गई, ये क्या हुआ बेटा हाइपोटोनिक के केस में। दूसरे में क्या था बेटा पानी कम था लेकिन सॉल्यूट नमक और किशमिश ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए बेटा क्या हुआ कि अब नमक तो इधर उधर जा नहीं सकता क्योंकि हमने आपको पहले बोला कि सेलेक्टिवली परमिएबल कुछ ही चीज़ें आर पार हो सकती हैं। तो यहाँ जो दूसरा केस था बेटा हाइपोटोनिक का, इसमें क्या बेटा कि उधर से किशमिश का शुगर भी इधर नहीं आ सकता और इधर जो NaCl वगैरह ये भी उधर नहीं जा सकता, सिर्फ पानी आर पार हो सकता है बेटा। तो उसमें किशमिश में पानी जो था ज़्यादा था और यहाँ पे तो पानी खत्म हो गया क्योंकि इसमें तो नमक मिल गया है, तो उधर का पानी बेटा क्या हुआ इधर आ गया, ठीक है। दूसरा केस, तीसरा केस बेटा जो आइसोटोनिक का था, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर थे, ठीक है। तो ये चीज़ बेटा कही थी, ये क्या कह रही आइसोटोनिक, ठीक बेटा। सेम यही चीज़ बेटा, सेम यही चीज़ हमारे अंदर भी होता है, ठीक है, सेम यही चीज़ हमारे अंदर भी होता है। सेल एब्जॉर्व वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, सेल एब्जॉर्व वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। सेल जो है बेटा, सेल को पानी की ज़रूरत होती है, सेल पानी ऑब्जॉर्व करती है, ठीक है बेटा, जो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे हम है बेटा, हमें भी पानी चाहिए होता है बेटा, तो हम भी, और साथ ही बेटा ध्यान से देखिए प्लांट जो होते हैं, प्लांट की बेटा जो रूट्स होती है, आपने अक्सर सुना होगा कि प्लांट को पानी चाहिए, तो आपने क्या देखा क्या प्लांट को कभी ग्लास से पानी पीते हुए, नहीं, प्लांट हमेशा क्या करता है पानी बेटा ऑस्मोसिस के थ्रू बेटा क्या करते हैं वो परासरण की वजह से वो पानी को खींच लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। पानी जड़ों में आता है, जड़ों से पानी कहां तक पहुंचता है बेटा टॉप तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये बेटा क्या होता है, यही बेटा क्या होता है ऑस्मोसिस की तरह बेटा क्या होता है, ठीक है, होता ही है, ठीक है। तो प्रोसेस जो बेटा ये कब तक चलता है, ध्यान से समझिएगा, ये प्रोसेस बेटा कब तक चलता है पानी के आने जाने का या फिर इधर गैस के आने जाने का, ये बेटा तब तक चलता है जबकि इक्विलिब्रियम की फेज ना आ जाए। इक्विलिब्रियम की फेज मतलब दोनों की तरफ बेटा बराबर ना हो जाए, लेकिन बेटा ये जीवन है, ये क्या बेटा जिंदगी है, ये कभी ये बराबर तभी होगी बेटा जब ये जीवन खत्म हो जाएगा बेटा, जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, मतलब जब ये बॉडी है ये काम करना बंद कर देगी, ठीक है, जब इसका इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा, मतलब जब हम मर जाएंगे बेटा, जब जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन बेटा क्या होगी बराबर हो जाएगी, ठीक है। उस दिन बाहर का पानी और हमारे अंदर का पानी दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, बाहर की गैस और हमारे अंदर की गैस दोनों बराबर हो जाएगी। लेकिन बेटा जब तक हम जिंदा है बेटा अप डाउन लगातार चल रहा है, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपको यहीं से मिलता है बेटा, अप डाउन जब तक चल रहा है बेटा तब तक क्या हो बेटा कभी बराबर हो ही नहीं सकती। पानी आता रहेगा, पानी खर्च होता रहेगा, गैस आती रहेगी, गैस जाती रहेगी, ठीक है। कुछ भी बेटा इक्विलिब्रियम की स्टेज में यहाँ पे नहीं है, हमेशा इक्विलिब्रियम है क्योंकि इक्विलिब्रियम का भी ब्रेक ही नहीं हो रहा, ठीक है, इक्विलिब्रियम ब्रेक ही नहीं हो सकता क्योंकि बेटा अगर इक्विलिब्रियम ब्रेक हो गया बेटा बॉडी क्या बेटा डेड हो गई, ठीक है, ये बेटा क्या हो गई डेड हो गई। तो ये चीज़ आप समझ गए, ठीक। तो ये बेटा हमेशा कहाँ तक होती है बेटा, लास्ट जो उसकी प्रोसेस है बेटा वो कहाँ तक है, जब तक कि इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाए। तो इक्विलिब्रियम की स्टेज में आएगा नहीं क्योंकि बेटा लाइफ डेड, जब डेड हो जाएगी तभी ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में आएगी, ठीक है। एक साथ बेटा यहीं पर आपको हम समझा देते हैं बेटा प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या बेटा, ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा सा यहीं पर एक्स्ट्रा। प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस का मतलब बेटा है कि जो सेल है बेटा, जो प्लांट की सेल्स होती हैं, ठीक है, जो बेटा प्लांट्स की सेल होती हैं, ठीक है, और वो बेटा क्या कर जाए, वो श्रिंक कर जाए, ठीक है, प्लांट की जो सेल है वो श्रिंक कर जाए। श्रिंक कैसे कर जाए बेटा, एक्जोस्मोसिस, एक शब्द और सुन लीजिए बेटा, पहले थोड़ा सा हम प्लाज्मोलिसिस बाद में समझा रहे हैं, सॉरी हमने आपको बताना भूल गए। एंडोस्मोसिस बेटा आपको समझ में तो आ रहा ना यहीं पर, एक्जोस्मोसिस बेटा, इंडोस्मोसिस एक्जोस्मोसिस यहाँ पे देखिए हमने मेंशन किया हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इंडोस्मोसिस का मतलब बेटा क्या है, जो चीज़ें क्या हो बेटा हमारे अंदर आ रही हो, ठीक है, जो चीज़ें हमारे अंदर आ रही वो बेटा क्या है इंडोस्मोसिस है। जैसे आपने देखा कि किशमिश के अंदर पानी भर गया, ये बेटा क्या है इंडोस्मोसिस है, ये बेटा इंडोस्मोसिस और ये हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा, सॉरी ये हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। इंडोस्मोसिस बेटा क्या है, हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल है, ठीक, इंडोस्मोसिस क्या बेटा हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल है। बट आपने एक चीज़ एक केस और देखा कि जहाँ किशमिश का ही पानी
सूख के क्या हो गया, बाहर आ गया, किसमिस का ही पानी बाहर आ गया, ठीक है, दूसरे वाले केस में, ठीक है, क्या हुआ बेटा यहाँ पे, एक्जोस्मोसिस, हमारे किसमिस मतलब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारी जो अंदर जो आइटम भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, वो बाहर चला गया, ठीक है, एक्जोस्मोसिस बाहर चला गया, इसको क्या कहते हैं बेटा, हाइपरटॉनिक, क्या कहते हैं बेटा, हाइपरटॉनिक। तो एक्जोस्मोसिस का केस बेटा होता है वो हाइपरटॉनिक होता है, हाइपरटॉनिक का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ठीक है, और यहां पे बेटा हाइपोटोनिक का, ठीक है, इंडो मतलब हाइपो, एक्सो मतलब हाइपर, ठीक। अब प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, थोड़ा यहां पे देख लीजिए, प्लाज्मोलाइसिस, जब बेटा कोई भी प्लांट सेल, जब बेटा कोई प्लांट सेल श्रिंक कर जाती है, श्रिंक यानी सूख जाती है, आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट सूख जाती है, ठीक है, श्रिंक हो जाती है, किस लिए हो जाती है बेटा, ये एक्जोस्मोसिस की वजह से, क्योंकि सेल जो प्लांट की सेल होती है बेटा, सूख तभी जाएगी जब इसका पानी बेटा निकल जाएगा, निथड़ जाएगा, पानी पूरा बाहर जब निकल जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगी, सिंक